नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए जनरल स्टडीज और करंट अफेयर से रिलेटेड ये वीडियो। इस वीडियो में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपके सिलेबस में जनरल स्टडीज और करंट अफेयर आपके सिलेबस का पार्ट है, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, किसी भी तरह के एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सारे एग्जाम में ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। इसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और कहीं अगर आप मिस्टेक करते हैं, अगर आंसर नहीं दे पा रहे, गलत करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए और उसके बाद उन टॉपिक को रिवाइज करके अपने प्रिपरेशन को ठीक कर सकते हैं आप। यानी कि एग्जाम में अपियर होने से पहले ये आपके लिए वीडियो एक तरह से एग्जाम प्री एग्जाम प्रैक्टिस के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट गिवन है रिगार्डिंग इको सेंसिटिव जोन्स, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। यानी सही स्टेटमेंट क्या है इन दोनों के अंदर ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है दे आर नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत इसे बनाया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अलाउड इन दिस जोन, यानी कि इस जोन के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को अलाउड किया जाता है। ये दो स्टेटमेंट है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ वन टू दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉर टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है इन चार ऑप्शन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है। यानी कि जो इस तरह के जो एरिया होते हैं, जिसे इस तरह के जो एरिया होते हैं इसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को अलाउड किया जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये इकोनॉमिक इस तरह की जो जोन होते हैं, इन जोन के अंदर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, फार्मर्स वगैरह यानी कि रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें अलाउड होता है। अब डिटेल में जान लेते हैं ये इको सेंसिटिव जोन आखिर होते क्या। तो कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है हमारे आसपास, ठीक है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, या फिर कोई नेशनल पार्क है, या कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है, उस एरिया के अंदर, यानी कि इन तीनों की बात कर रहा हूं मैं, इन सेंचुरी, नेशनल पार्क या कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया, उसके आसपास के जो 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो भी एरिया आता है उसे हम इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। और इस जोन के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है, इसमें माइनिंग वर्क नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ इंडस्ट्री वगैरह नहीं लग सकती है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज जो नेचर को नुकसान पहुंचाएगी वो चीजें इसे अलाउड नहीं होता इस एरिया के अंदर। लेकिन फार्मिंग हो सकती है, और फार्मिंग कैसी, ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे की जा सकती है। इट मीन सेकेंड स्टेटमेंट जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। और फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंजेस है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। गलत इसलिए है कि ये जो एरिया होते हैं ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, जिसे शॉर्ट में जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो MOEFCC भी बोला जाता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। और ये जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसे बनाई गई थी। इट मीन्स जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा वो गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। बाकी कुछ और भी टर्म्स है, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्या होता है, प्रोहिबिटेड एरिया क्या होता है, ये रेगुलेटेड एरिया क्या होता है, ये टर्म्स भी आप स्क्रीन में देख करके इसको समझ सकते हैं। यानी कि प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर माइनिंग, ठीक है, मील, इंडस्ट्री वगैरह, ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करके इस एरिया के नेचर को डिस्ट्रॉय करती है, वो चीजें अलाउड नहीं होती है। रेगुलेटेड एरिया के अंदर क्या होता है, कुछ चीजों को एस्टेब्लिश करने की हमें परमिशन होती है। और परमिटेड एरिया के अंदर ये होता है कि जहां पे पर्टिकुलर किसी काम के लिए, ठीक है, कोई चीजें हमें प्लान करके लगाई जाती है। तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। और एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए ये भी रहेगा, मुझे मालूम है आपको आंसर पता भी होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद गूगल से चेक करके भी लिख सकते हैं कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का मिनिस्टर कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है पॉलिटिक्स का, ये अक्सर पूछा जाता है जब भी इलेक्शन के आसपास का टाइम होगा,
जब रिजल्ट आने वाला होगा ये टॉपिक काफी बर्निंग टॉपिक हो जाता है। तो मान के चलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर आपसे दो स्टेटमेंट दे करके आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इट मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द मेंबर ऑफ एनी हाउस इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द वॉलंटरी गिविंग अप हिज मेंबरशिप टू द पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी मेंबरशिप दे देता है कुछ इस तरह से बोला जा रहा है तो उसे डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ किसी भी मेंबर को, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी कोई मेंबर हो तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, कुछ इस तरह की बात फर्स्ट स्टेटमेंट में बोली जा रही है। और सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है देयर इज नो जुडिशियल रिव्यू अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ ए स्पीकर और चेयरमैन इन एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर एक ये रूल बनाया गया है कि भी जो भी हाउस का जो चेयरमैन होगा या स्पीकर होगा उसके अगेंस्ट में कोई जुडिशियल रिव्यू स्टैब्लिश नहीं की जा सकती, ठीक है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको यह बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ वन टू दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में जैसे आप देख रहे हैं नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको बताना है, ठीक है, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका ए है, यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब क्यों आप समझ लेते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये हमारी कंट्री के अंदर ये पास हुआ था 1985 में लाया गया था और हमारी कंट्री का जो 52nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब इसको लाया गया था और इसे ऐड किया गया था 10th शेड्यूल के अंदर, ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में 52nd अमेंडमेंट के तहत 1985 में इसे लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके अंदर जो ये बात बोली गई कि वॉलेंट्री अगर कोई अपनी मेंबरशिप देता है दे सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ये बोला जा रहा है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट के। तो सेकंड स्टेटमेंट के लिए एक केस है जो आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये केस, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि क्योतो होलाहन वर्सेस जैक हिलो एंड अदर्स एक केस हुआ था 1992 के अंदर, ठीक है, इस केस के अंदर, मतलब थोड़ा टर्म्स देख लीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया था और इस केस में ये बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी अवेलेबल एट अ स्टेज प्रायर टू द मेकिंग द डिसीजन ऑफ बाय द चेयरमैन एंड स्पीकर। यानी चेयरमैन और स्पीकर के अगेंस्ट में कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ये बोला गया था 1992 में जब एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा केस पहले आया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि भी अब कि भी इस क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जुडिशियल रिव्यू इस कंडीशन में भी लागू होगा। यानी कि 1992 के बाद जब केस आ गया था तब स्पीकर और चेयरमैन के अगेंस्ट में भी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट रख दिया हमारी कंट्री के अंदर। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट जो दिया गया आपको वो गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक छोटा क्वेश्चन मैं आपके लिए और दे देता हूं आज के लिए, कि क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल हैं, कितने अमेंडमेंट अभी तक हुए हैं। यानी कि अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं जुलाई 2020 में देख रहे हैं तब तक आपको बताना है कि भी ये कितने अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कर दिए गए और करंट टाइम तक आपको ये भी बताना है टोटल शेड्यूल कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ न्यूली डेवलप्ड मेथड ऑफ अर्थक्वेक प्रिडिक्शन। यानी कि अर्थक्वेक जो होता है, अर्थक्वेक से प्रिडिक्शन से रिलेटेड जो मेथड है जो अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये आपका ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इन्वायरमेंट ज्योग्राफी इकोलॉजी वहां से ये क्वेश्चन आपके लिए उठाया जा रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट। इट मींस गलत स्टेटमेंट जो होगा वो हमारा आंसर होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द न्यू मेथड इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ फिलोसिकलिकेट के टर्म्स के ऊपर आपसे बोला जा रहा है। इसके बेसिस पे न्यू मेथड है हमारा जो हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट टू में आपसे बोला जा रहा है फिलोसिकेट्स
are minerals in the form of the thick plates found along the weakest part of the fault and earthquake occur. ये बोला जा रहा है कि ये फिलोसिकेट्स के बारे में बोला जा रहा है. ये एक तरह से मिनरल की फॉर्म में होता है. ये मिनरल की फॉर्म में है और मिनरल फॉर्म के अलावा बोला जा रहा है ये वीकेस्ट पार्ट जो होता है किसी भी प्लेट का, प्लेट यानी कि ये हमारे जो अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था इसे प्लेट की फॉर्म में भी है, यानी कि जो जमीन या अर्थ की बात कर रहे हैं उसके नीचे क्या प्लेट्स बने हुए हैं, तो वीकेस्ट पार्ट जो होता है वहां पे ये चीज होती है. तो दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, आपको गलत स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सी में बोला जा रहा है बोथ वन टू यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, ये बोला जा रहा है ऑप्शन डी के अंदर. तो ये चार स्टेटमेंट थे, दो स्टेटमेंट थे, चार ऑप्शन है, तो चूज करिए अपना करेक्ट आंसर. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है. बी का मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है, यानी कि फिलोसिकेट्स मिनरल्स के बारे में जो बोला जा रहा है कि ये भी थिन प्लेट है, बिल्कुल सही बात, थिन पार्ट है, प्लेट है, और जब ये अर्थक्वेक अकर होता है तब हमें इसके बारे में पता लगता है कि इसके थ्रू यानी कि जो वीक पार्ट होता है वहीं से अर्थक्वेक अकर होता है, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट जो आपसे बोला जा रहा है ये स्टेटमेंट क्या गलत है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा था. अब बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है आपसे कि रिसर्च जो अभी शो करती है वो ये शो करती है कि जो न्यू मेथड अभी अर्थक्वेक को प्रिडिक्शन के लिए जो आया हुआ है उसका नाम जो आपको बताया गया वो क्या, फिलोसिकेट्स के बारे में बोला जा रहा है. बिल्कुल न्यू मेथड है और ये बात बिल्कुल सही है, और इसके अंदर जो चीजें रिक्वायरमेंट होती है कि भी उसकी मूवमेंट प्लेट जो वगैरह जो होती है उसकी मूवमेंट से भी हमें पता लगता है कि अर्थक्वेक कब और कैसे किस लेवल तक का हो सकता है इसके बारे में बताया जाता है. ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है. और अर्थक्वेक जो मेजर किया जाता है एक्चुअल में वो मेजर किया जाता है सिस्मिक वेव्स जो होता है वो जो क्रिएट होती है, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो उससे हमें पता लगता है कि भी अर्थक्वेक कैसा है, कितनी ग्रेविटी उसके अंदर कितना लेवल तक जा रहा है. ये हमें कैसे पता लगता है, सिस्मिक वेव से हमें पता लगता है कि अर्थक्वेक इतने लेवल का इतना डेंजरस हमारे लिए हो सकता है. तो आपको एक चीज ये भी बतानी कि जो अर्थक्वेक को जो मेजर किया जाता है, कई बार आपने सुना होगा जो अर्थक्वेक आ रहा है 3 point something इतने लेवल का है, 6.1 सपोज इतने लेवल का हुआ, तो एक यूनिट यूज की जाती है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए. ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं सिस्मिक वेव को मेजर के लिए एक यूनिट की जाती है, उस यूनिट का भी नाम आपको बताना है. ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगेन स्टेटमेंट्स गिवन है आपके पास, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है. टर्म देख के प्रेसिडेंट देख रहे आपको पता लग गया होगा ये जो क्वेश्चन बन रहा है आपका ये पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द स्कोप ऑफ द पार्डोनिंग पावर ऑफ ए प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के पास पार्डोनिंग पावर जो होते हैं उसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है कि वाइडर देन द पावर ऑफ गवर्नर, यानी गवर्नर के कंपेरिजन में प्रेसिडेंट के पास पार्डोनिंग पावर ज्यादा होती है, यानी कि किसी भी क्रिमिनल को उसको क्षमा करना, उसे माफ कर देने की जो पावर होती है, किसी की सजा माफ करने की जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ गवर्नर की. फर्स्ट स्टेटमेंट भी ये बोला जा रहा है. सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है द पार्डोनिंग पावर ऑफ ए गवर्नर एक्सटेंड टू द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द एनी स्टेट, यानी कि अब ये पार्डोनिंग पावर क्या होती है ये बताया जा रहा है कि ये किसी को भी अगर सेंटेंस दिया गया, कोई सजा दी गई है, अगर उसने कोई भी लॉ ब्रेक किया है, स्टेट का कोई लॉ ब्रेक, स्टेट का मतलब कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेंशन है, ठीक है, अगर कोई लॉ वो ब्रेक करता है और उसे सजा मिलनी गई है, उसे माफ करने के लिए एक तरह की पावर होती है जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास होती है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में आपको सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया. अभी दो स्टेटमेंट है आपके पास और आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ वन टू दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों स्टेटमेंट क्या है गलत है. करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको चूज करना है, करिए चूज. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा. यानी कि जो पहले ये बोला गया, मैं गवर्नर के लिए मान लेता हूं जी यूज कर लेता हूं, प्रेसिडेंट के लिए पी यूज कर लेता हूं, यानी कि प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है वो ग्रेटर होती है यानी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गवर्नर इन कंटेस्ट ऑफ पार्डोनिंग पावर. पार्डोनिंग पावर की अगर हम ध्यान रखें, यानी कि इसको जो माफ
किसी को माफ करने की बात करें तो उसके रिगार्डिंग में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होती है। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 72 के तहत ठीक है ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है और आर्टिकल 161 के अंडर होती है पावर किसके पास, गवर्नर के पास पावर होती है। ठीक है, तो ये दोनों पावर आपको पता होना चाहिए, दोनों किस आर्टिकल में मेंशन है ये भी आपको पता होना चाहिए और किस तरह की पनिशमेंट को ये कोई सस्पेंड कर सकते हैं, उसे रिलीव कर सकते हैं किसी कन्विक्ट को, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जा रहा है, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जा रहा है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि गवर्नर के कंपैरिजन में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखिए ये क्वेश्चन कुछ भी हो उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा चारों ही जो आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, चारों ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको तो पहले इन चारों इंस्टीट्यूशन के बारे में जरूर पता होना चाहिए, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चारों के बारे में पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो जब भी आप दोबारा इसको रिवाइज करें इस टॉपिक को तो इनके बारे में पढ़ना है, इनके हेडक्वार्टर पढ़ लेना, इनके फर्स्ट या लास्ट या करंट प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन है इस इंस्टीट्यूशन के, ये भी आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और किस फील्ड में ये लोग काम करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली कोई भी न्यूज में चल रहा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो पहले तो बेसिक चीजें आपके बारे में इसको पता होना चाहिए और फिर रिलेट करिए कि करंट में न्यूज में क्या चल रहा है और जो प्रीवियसली कुछ ऐसा हुआ है आपके एग्जाम होने से कंडक्ट होने से पहले कुछ, अगर ये इनकी कहीं किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट है तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो ये चार इंस्टीट्यूशन को आपको दे दिए गए और आपसे नीचे बोला जा रहा है विच ऑफ दीज कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, यानी जिसे हम यूनेस्को भी बोल देते हैं। तो यूनेस्को के अंदर कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन आती है आपको ये बतानी है। तो आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है या फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आती है यूनेस्को के तहत। दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि भी इसके अंदर यूनेस्को ये जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के अंदर यूनेस्को ये जैसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये इसके अंदर आती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आती है जिसे WHO भी बोल देते हैं, या फिर बोल सकते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसके अंदर आती है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम, यानी कि चार इंस्टीट्यूशन के नाम दे दिए गए हैं आपको और आपको बताना कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो उसके अंदर कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन आती है ये बताना है। तो ऑप्शन आपके पास उसके इस तरह से, ए में बोला जा रहा है फर्स्ट, सिर्फ ओनली फर्स्ट वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो आता है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड, यानी कि ये लेबर ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये इसके अंदर आता है। और सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड इट मींस ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये आता है अकॉर्डिंग टू सी। और डी में बोला जा रहा है ये चारों ही इंस्टीट्यूशन इसके अंदर कवर होते हैं। तो आपको ये बताना है कि भी ये चारों इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। तो जोन से भी आते हैं उसके हिसाब से आपको आंसर अटेम्प्ट करना था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब है ये चारों इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूशन भी जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप यहां देख पा रहे स्क्रीन पे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसके अंदर आता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये भी इसके अंदर आता है जिसे FAO भी बोल देते हैं। उसके बाद थर्ड यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको 100% पता होना चाहिए और बिल्कुल टिप्स भी होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ है आपके लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। करंट सिनेरियो में जब COVID-19 चल रहा है तो आप समझ सकते हैं ये इंस्टीट्यूशन काफी न्यूज में रहता है और इसकी वजह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, फोर्थ हो गया। और फिफ्थ है उसके बाद ब्रेटन वुड ट्विन, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि ये दोनों इंस्टीट्यूशन पैरेलल तरीके से काम करते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, वर्ल्ड बैंक और IMF। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड ये दोनों इंस्टीट्यूशन काफी न्यूज में भी रहेंगे और इनसे अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। और नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी यूनिसेफ। यूनिसेफ भी काफी एजुकेशन से रिलेटेड मैटर हो, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड कोई मैटर हो या बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई मैटर हो तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा न्यूज में आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं लेकर के आ रहा हूं जिस जो आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में। तो इन मैं उम्मीद करता हूं कि आज कमेंट बॉक्स में आपको ये सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में, ठीक है, ये पांच छह जो भी मैं आपको सामने रख रहा हूं इन सब के बारे में आप मुझे हेडक्वार्टर, इसके करंट हेड और फर्स्ट हेड कौन सा है, किस फील्ड में काम करता है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा काम करना है। क्वेश्चन ज्यादा हो रहा है पर मैं चाहता हूं सबके आंसर आप जरूर दीजिएगा। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर डी हो गया। बाथोनोमस एक्सा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ डांस फॉर्म परफॉर्म बाय द खारिया ट्राइब ऑफ झारखंड। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये एक डांस फॉर्म है और खारिया ट्राइब का, और कहां से बिलोंग करती है, ये झारखंड से बिलोंग करती है। ऑप्शन ए में आपको ये बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रैंड स्क्वेरल फाउंड इन सुंदरवन। सेकेंड ऑप्शन जो बी ऑप्शन है इसमें आपसे बोला जा रहा है ये एक स्क्वेरल का एक साइंटिफिक नेम है जो कि पाया जाता है सुंदरवन एरिया के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में झारखंड में जो एक खारिया ट्राइब है उससे रिलेटेड ये बताया जा रहा है आपको, एक डांस है। बी में आपसे स्क्वेरल की एक स्पीसीज के बारे में आपको बताया जा रहा है जिसका एक साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सुपर ग्रैंड आइसोपोड स्पीसीज फाउंड इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर के अंदर एक स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि आइसोपोड स्पीसीज है जो कि इंडियन ओशन में पाई जाती है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है वैरायटी ऑफ सुपर ग्रैंड ट्रीज ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट के अंदर जो ट्रीज है, ट्री का एक टाइप है बाथोनोमस एक्सा। तो ये बाथोनोमस एक्सा से रिगार्डिंग जो भी आपको आंसर सही लगता है इन चार ऑप्शन में से उसको आपको अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, बताइए सही आंसर इसका क्या है, ये जो रिसेंट न्यूज में आजकल चल रहा है ये किससे रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ ये सुपर ग्रैंड आइसोपोड स्पीसीज है और जो कि इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में पाया जाता है। अच्छा, अब डिटेल में जान लेते हैं कि भी ये बाथोरोमस एक्सा आखिर है क्या। ये एक तरह से इसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इस तरह से कि भी ये सी के अंदर एक कॉकरोच जैसी एक स्पीसीज है, ठीक है, जो कि इंडियन ओशन के अंदर है। और इसे जो सर्च किया है, डिस्कवर किया है, ये रिसर्चर फ्रॉम सिंगापुर के जो रिसर्चर हैं, रिसर्च करने वाले जो लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसे सर्च किया है और इंडियन ओशन में ये पाया जाता है बेंथेन के पास, ठीक है। तो ये इसके बारे में, और इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो भी साउथर्न कोस्ट जो कि जावा यानी कि इंडोनेशिया का जो साउथर्न कोस्ट है यानी कि उसके जो दक्षिण के आसपास का जो एरिया है, जो कोस्ट है, वहां पर ये 2018 में ये पाया गया था और इसे 6 सुपर ग्रैंड स्पीसीज के अंदर इसे माना जाता है, ठीक है। यानी कि ये इंडो और वेस्ट पैसिफिक एरिया है, उस एरिया में ये लार्जेस्ट तरीके का एक बहुत बड़ा एक स्पीसीज आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया, करेक्ट आंसर हमारा हो गया इसका सी हो गया। सी का मतलब ये हुआ ये इंडियन ओशन में पाया जाना एक ग्रैंड स्पीसीज है और जिसे और दूसरे नाम से भी हम बोल सकते हैं कि भी एक तरह से ये सी का कोकरेज कह सकते हैं, बहुत लार्ज साइज में भी होता है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इस क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। नीचे आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने बताना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द क्लोन ऑफ कैसरीना प्लांट जीन्स आर सुटेबल फॉर साल्ट अफेक्टेड एरिया। एक टाइप ऑफ प्लांट के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि भी कैसरीना प्लांट जो होता है उसका जो क्लोन है, ठीक है, यानी कि क्लोन वो होता है जो साइंटिफिक तरीके से जिसे बनाया जाता है, ठीक है, तो उसका जो प्लांट का जो क्लोन है ये साल्ट अफेक्टेड एरिया में काफी सुटेबल है, काफी यूजफुल है और इस एरिया में इसे प्लांटेशन किया जा सकता है। स्टेटमेंट वन में ये बोला गया। स्टेटमेंट टू में आपसे बोला जा रहा है कि भी द कैसोरेना हैव रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन साइकिल जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे 6 to 8 में आपने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा था, तो नाइट्रोजन साइकिल को यानी कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन में इसका बड़ा एक सिंबॉलिक
एसोसिएशन इसका रहता है जो कि किसी एक बैक्टीरिया के साथ, यानी कि ये फ्रेंकिया बैक्टीरिया के साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है। इसका एसोसिएशन किसके साथ होता है, फ्रेंकिया बैक्टीरिया के साथ होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, यानी कि नाइट्रोजन साइकिल में इसका एक काफी मेजर रोल होता है इस कैसोरिना प्लांट का। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास, और आपको ये बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ वन टू दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको अटेम्प्ट करके बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है। अच्छा, इस क्वेश्चन को डिटेल में जानने से पहले आपको एक साइंटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, कैनन सी एस वॉरियर, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे डिस्कवर किया हुआ और इस वजह से ये काफी न्यूज में हो गया, और इसे हमारी कंट्री में नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री 2019 का ये अवार्ड भी मिला हुआ है। और ये जो साइंटिस्ट है ये बिलोंग करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट गैंगेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, यानी कि जिसे शॉर्ट में IFGTB बोला जाता है। तो इस इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है एक साइंटिस्ट है, और इसे ये अवार्ड मिलने की वजह से ये काफी न्यूज में हो गया, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए बन जाता है। अच्छा, अब बात ये होती है कि न्यूज में क्यों हो गया या इन्हें अवार्ड क्यों मिला, अब वो जान लेते हैं। हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री के अंदर 6.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है, लैंड की बात कर रहा हूं, 6.73 हेक्टेयर एरिया जो हमारी कंट्री के अंदर है वो साल्ट अफेक्टेड है। जब साल्ट अफेक्टेड है, यहां पे अगर ऐसे प्लांट अगर हम लगाए, ठीक है, प्लांटेशन ऐसे ट्री या प्लांट का किया है जो कि साल्ट एरिया में ज्यादा अच्छे से उग सके, अच्छे से बन सके, ठीक है, तो ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। तो उन्होंने इस तरह का ये प्लांट, इस तरह का क्लोन इन्होंने बनाया है जो कि साल्ट अफेक्टेड एरिया में काफी यूजफुल हो सकता है। यानी कि ये जो मैं बात कर रहा हूं आपसे इस क्वेश्चन के अंदर, कैसोरिना प्लांट की जो बात कर रहा हूं, इसके जो क्लोन की बात कर रहा हूं, हमारी कंट्री के लिए काफी यूजफुल हो सकता है क्योंकि हमारे क्लाइमेट में ये काफी हेल्पफुल भी है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट भी है सेकंड स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट में जो आपको ये बोला गया कि भी ये नाइट्रोजन साइकिल में भी काफी यूजफुल है, यानी कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन में इसका मेजर रोल है, ये बात भी बिल्कुल एकदम करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैसोरिना को कुछ और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कटादी, सावुकुकू, ये कुछ प्लांट्स के कुछ और भी नाम है जिस नाम से ये जाना जाता है। ये इस प्लांट के 17 स्पीसीज होते हैं जिसके अंदर से ये दो मैं आपको बता रहा हूं, और इंडिया के अंदर 19th सेंचुरी में ये काफी पॉपुलर हो गए, ये हमारे जानकारी में, हमारी नॉलेज में ये आ गए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। साइंटिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन पता होना चाहिए, और ये अवार्ड है नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री, ये अवार्ड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इवन मैं तो ये कहूंगा ये अवार्ड जो दिया जाता है, कौन सी इंस्टीट्यूशन देती है ये अवार्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सी इंस्टीट्यूशन इसे इस अवार्ड को देती है, और फर्स्ट टाइम रिसीव करने वाले पर्सन कौन है इस अवार्ड को, ये आपको कमेंट करके बताने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मालवेयर वॉज रिसेंटली इन न्यूज, व्हाट टाइप ऑफ मालवेयर इज इट। एक मालवेयर काफी न्यूज में चल रहा है, ठीक है, जो कि एंड्रॉइड बेस्ड है, यानी कि हमारे मोबाइल वगैरह में भी ये इफेक्ट डाल देता है, जिसका नाम है ब्लैक रॉक, ठीक है। और इस मालवेयर के बारे में पूछा जा रहा है कि किस तरह का मालवेयर है। मालवेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मालवेयर एक तरह से जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है वैसा ही सॉफ्टवेयर होता है, बट इसका जो पर्पस होता है इसका क्रिएट करने का, इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है, नेगेटिव यूज होता है, यानी कि किसी का डाटा चुरा लेना, किसी के डिवाइस को खराब कर देना, डिवाइस को स्लो कर देना, ठीक है, इस तरह से, यानी कि आपके डिवाइस को खराब कर देना, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को मतलब गायब कर देना या ले लेना, ठीक है, एक तरह से आपके पर्सनल डाटा को चुराना, इस तरह के टाइप से, यानी कि नेगेटिव टारगेट को अचीव करने के लिए इस तरह से मालवेयर को बनाया जाता है, ताकि आपका डिवाइस खराब हो और आपको नए डिवाइस खरीदने की जरूरत पड़े, ठीक है। तो इस वजह से ये मालवेयर काफी यूजफुल होते हैं उन लोगों के लिए जो कि किसी भी बड़ी कंपनी में सपोज काम कर रहे हैं
और चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट सेल हो, यानी हमारे डिवाइस सेल हो, तो वो इस तरह की चीजें क्रिएट करते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भी ये किससे रिलेटेड है, ये चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं कि भी ये रॉक ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मालवेयर जो है किससे रिलेटेड है, ये क्या है आखिर में, किस टाइप का ये मालवेयर है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है ये एक तरह से वायरस है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ये ट्रोजन है, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है ये रैंसमवेयर है ये, और ऑप्शन डी में आपसे बोला है ये वॉर्म्स है। ये चार टाइप ऑफ मालवेयर आपको बता दिए गए, इनमें से कौन सा करेक्ट है जो कि इससे रिलेटेड है, ब्लैक रॉक एंड्रॉइड से रिलेटेड है, आपको ये आंसर चूज करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेंड करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये, एक तरह से ट्रोजन है। ट्रोजन के बारे में आपको मैं बता देता हूं, ट्रोजन एक तरह से एक वायरस कह लीजिए या फिर एक तरह से एंटी हेल्पफुल वायरस कह लीजिए, यानी कि एक तरह से ऐसा सिस्टम या सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे डिवाइस से हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने में काफी हेल्प करता है दूसरे बंदे को। यानी कि आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई क्रीडेंशियल है, जैसे आपने मान लीजिए आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, आप मान लेता हूं आप कोई भी अकाउंट वगैरह है आपका, डिटेल है फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है आपके डिवाइस से, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है, जो भी डिवाइस आप यूज करते हैं, वहां से आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेना, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन उसे चुरा करके किसी दूसरे सर्वर में पहुंचा देना, और इस तरह से आपको नुकसान पहुंचाना, मेन टारगेट ये होता है ट्रोजन का। तो ये एक तरह से ट्रोजन मालवेयर है जो कि एंड्रॉइड बेस्ड है। आपने कंप्यूटर वगैरह में विंडो बेस्ड तो सुना ही होगा, लेकिन ये एंड्रॉइड बेस्ड है, यानी कि ये मोबाइल से इस तरह की डाटा को चुरा लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन जो दिए गए उसके बारे में भी जान लेते हैं। करेक्ट आंसर तो हमारा बी यानी ट्रोजन हो जाता है, लेकिन अब बाकी चीजों को भी जान लेते हैं। वायरस क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, रैंडमवेयर क्या होता है, एडवेयर क्या होता है, ये कुछ टाइप ऑफ मालवेयर सॉफ्टवेयर है आप ये कह सकते हैं, और इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे हम अगर वायरस की बात करें, तो वायरस जैसे आपने बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वायरस क्या करता है, हमारे जो डिवाइस होता है डिवाइस को खराब करने में इसका मेजर रोल होता है। यानी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आपके डिवाइस में है तो उसको करप्ट कर देना, आपके डिवाइस के डिवाइस को खराब कर देना, ये मेनली इसका टारगेट होता है। अगर हम वॉर्म्स की बात करें तो ये क्या करता है कि भी आपके डिवाइस के अंदर जाकर के आपके स्पीड वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देता, स्पीड खराब कर दिया, ठीक है, आपके नेटवर्क वगैरह को खराब कर दिया, जो भी आप काम कर रहे उसे डिले कर दिया, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है ये आपको एक तरह से नुकसान पहुंचाता है आपके डेली एक्टिविटी जो भी आप डिवाइस से करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं रैंडम समवेयर क्या होता है। रैंसमवेयर जो होता है ये इनक्रिप्टेड आपके डिवाइस के अंदर जो भी डाटा होता है, यानी कि डाटा का मतलब है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी डाटा है, जैसे आप क्रिप्टो करेंसी या नेट बैंकिंग या इस तरह का जो डाटा होता है, इस तरह के डाटा को चुराने में ये काफी एक्टिव रहता है, इस तरह आप बोल सकते हो। और एडवेयर की अगर हम बात करें तो एडवेयर क्या होता है, ये भी एक तरह से एंटी यूजफुल सॉफ्टवेयर कह सकिए या मैलिशियस सॉफ्टवेयर कह लीजिए, ये आपके डिवाइस के अंदर जब स्टोर हो जाता है, कोई डाल देता है, तो क्या होता है आपको पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट बार 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 आपको दिखाई देते हैं। यानी कि एक तरह से लिंक टाइप का ये शेप हो जाता है आपके डिवाइस के अंदर, और आप ना चाहते भी कुछ भी ओपन करते हैं आपको पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट बार 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 दिखाई देते हैं, जो कि आप कुछ और काम कर रहे हैं लेकिन आपको एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं, तो आपकी जो काम करने की स्पीड वगैरह अपने आप ही स्लो हो गई, आपका आपको एक तरह से डाइवर्ट कर देता है, ये एक तरह का वायरस है, ठीक है। तो ये चार जो अलग अलग चीजें थे मैंने डिटेल में आपको बता दी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, यानी कि हम ब्लैक रॉक की अगर बात करें, ये एक तरह से मालवेयर है और ट्रोजन टाइप का ये मालवेयर, यानी कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ये चुराने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, यानी कि एनडीआरएफ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग में आपके यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट ये था और सेकंड ये स्टेटमेंट है, और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग एनडीआरएफ, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द फंड इज प्लेस्ड इन द कॉन्टिजिनियस फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्टिजिनियस फंड क्या होता है, अगर ये मालूम है आपको तो इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली आप कर ले जाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि इस फंड से अगर कोई एक्सपेंडिचर करना है यानी खर्च करना है, इसके लिए पार्लियामेंट से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग एनडीआरएफ। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ वन टू दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट क्या है गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करके बताना है।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यानी कि इस तरह का जो फंड है, यानी कि अगर मैं बात करूं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, जिसे शॉर्ट में NDRF बोला जा रहा है, इस फंड की बात करें तो ये जो फंड के लिए, इस फंड के लिए पार्लियामेंट से किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। यानी कि पार्लियामेंट से इसे अप्रूव कराने की जरूरत नहीं होती अगर हम इसका खर्च करना चाहें। वो ऐसा किस लिए, ये 2005 में, 2005 के स्टार्टिंग में ये एक तरह से प्रोविजन या एक तरह से बिल हमारी कंट्री में आया था। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर न्यूज से अपडेट रहते हैं, पुरानी चीजें अगर आपको न्यूज वगैरह पढ़ते हैं और पुराना स्टडी करते हैं, तो आपको पता होगा 2004 दिसंबर 2004 में, ठीक है, क्रिसमस के आसपास 25-26 से लेकर 30 के अराउंड हमारी कंट्री में सुनामी आया था। हमारी कंट्री और जो साउथ ईस्ट जो एशिया है, ठीक है, एशियन कंट्रीज है, हमारी कंट्री है, ये सारी कंट्री इम्पैक्ट डली थी और काफी हमें नुकसान हुआ था सुनामी से। और सुनामी की वजह से जो एक सडन प्रॉब्लम जो क्रिएट हो गई थी, उस वजह से हमारी कंट्री के अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ये फोर्स ये क्रिएट किया गया था। और उसी के अंदर ये जो फंड है आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड भी क्रिएट किया गया था। और इसे हमारी कंट्री के अंदर एक एक्ट लाकर, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जिसे शॉर्ट में DM एक्ट भी बोला जाता है, इसे लाया गया था। और इस एक्ट के अंदर सेक्शन 46 के अंदर इस तरह की प्रोविजन रखा गया कि इस तरह का फंड होना चाहिए ताकि इमरजेंसी कंडीशन में जब कोई नेचुरल प्रॉब्लम आ रही है, नेचुरल क्लाइमेटीज आ रही है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उस टाइम सारी चीजें एक्टिवली हो सके, मतलब कहने का मतलब है रिलीफ एक्टिविटी प्रॉपरली हो जाए, कंट्रोल हो सके, उसके लिए फंड क्रिएट किया गया था। और ये भी ध्यान में रखा गया था ये एक तरह से पब्लिक अकाउंट का फंड है, और इसे ये ध्यान में रखा गया था कि भाई इस फंड के लिए किसी तरह की परमिशन या अप्रूव की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अप्रूव कराने में या परमिशन लेने में कई बार क्या होता है, देर हो जाता है, और इससे डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, और कई बार बहुत जल्दी काम करने की जरूरत होती है, और उस टाइम अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए इसे पार्लियामेंट से किसी भी तरह का अप्रूव कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये क्रिएट कब किया गया था, 2005 में क्रिएट किया, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जिसका जो सेकंड स्टेटमेंट है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, विद रेफरेंस टू द स्कैड ग्रुप्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्कैड ग्रुप यानी कि वो सारे प्लांट या ट्री की मैं बात कर रहा हूं जो कि हमारी कंट्री के अंदर इसे होली प्लांट के रूप में से कंसीडर किया जाता है, यानी कि पूजा जाता है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा रहा है। ये आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि भी इस स्क्रेड ग्रुप्स के बारे में, यानी कि इस तरह के होली प्लांट से उसके बारे में पूछा जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है दीज आर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैविंग सिग्निफिकेंट रिलीजियस कनोटेशन फॉर द प्रोटेक्टिंग कम्युनिटी। प्रोटेक्टिंग कम्युनिटी यानी कि हमारी जो कुछ कम्युनिटी होती है जो कि ट्री वगैरह को बाहर अपनी फैमिली का ही पार्ट समझते हैं और उसे ध्यान में रखते हैं, उससे रिलेटेड ये ट्री है या फिर ये फॉरेस्ट है, इसे प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर ये आते हैं। स्टेटमेंट वन के अंदर ये बोला जा रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट टू में बोला जा रहा है इट इज लीगली प्रोटेक्टेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि 1986 में जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके अंदर इसे लीगली प्रोटेक्शन के लिए इसे प्रोविजन रखा गया है। ये दो स्टेटमेंट है आपके पास, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है 1 और 2, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2, यानी इट मींस दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है अगर हम बात करें स्कैड ग्रुप्स की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, यानी फर्स्ट जो आपको स्टेटमेंट गिवन था सिर्फ वो करेक्ट है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। अब डिटेल में जान लेते हैं भाई स्कैड ग्रुप्स होते क्या है इसके, यानी कि जैसे आपको स्टेटमेंट वन में ही बोला गया इसका एक हमारी कंट्री के अंदर इसका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंट है, यानी कि हमारी कंट्री में से रिलीजियस वैल्यू है इस तरह की ट्री की, ठीक है, तो ये बात जो बोली गई थी बिल्कुल सही है। और इसके बारे में जो लीगल प्रोविजन के बारे में जो बोला जा रहा था आपसे इसे एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में रखा गया था, नहीं भाई ये गलत है। तो सही क्या है अब वो जान लेते हैं। हमारी कंट्री में एक और प्रोविजन है, एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसे 2002 में से इसमें अमेंडमेंट किया गया था। तो 2002 में जब इसे अमेंडमेंट किया गया था उस अमेंडमेंट के तहत इसको कंसीडर किया गया था कि इस तरह के जो ट्री होंगे
उसे लीगली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आप इसे काट नहीं सकते, अगर आप काटेंगे तो आपको जेल या कोई भी पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई आपको ये बताना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो ओरिजिनल जो अब आया था वाइल्ड लाइफ एक्ट जो प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो आपको बताना है कौन से ईयर में आया था और किस प्रोविजन के अंदर आया था, आपको ये बताना है। ये तो मैं जो बात कर रहा हूं मैं अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं, अमेंडमेंट का मतलब है उसके अंदर कुछ चेंजेस जो किए थे वो 2002 में चेंजेस किए थे, तो ओरिजिनल कब आया था आपको ये बताना है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते कुछ ऐसे ट्री की जो हमारी कंट्री के अंदर जो अलग अलग स्टेट में इसकी एक वैल्यू है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं इसका सिग्निफिकेंट रिलीजियस वैल्यू है, कनेक्शन है कुछ ना कुछ किसी ना किसी कम्युनिटी के साथ। जैसे अब मैं अलग कुछ कुछ स्टेट के बारे में आपको बता रहा हूं, जैसे काव्यू मलयालम काव्य, ये काव्यू यानी कि जो मलयालम यानी कि आप बोल सकते केरला के आसपास में जो एरिया है वहां पर इसे पूजा जाता है, यहां उसका सिग्निफिकेंट रोल है। कोयली काडू ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके ओराल ओरांस ये राजस्थान से रिलेटेड है। देवारा, ठीक है, देवारा काडू ये कर्नाटका से रिलेटेड है। और उसके बाद सरांस ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, यानी कि ये कुछ ऐसे ट्री या प्लांट आप बोल सकते हैं कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि किसी किसी स्टेट के अंदर इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंट है, आपको ये बताना चाहिए। अगर आप इन स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इन स्टेट में किसी भी एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं तो वहां इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एग्जाम में पूछे वहां भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में तो 100% इस तरह के छोटे मोटे जो क्वेश्चन होते हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। विद रेफरेंस टू पासेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये पासेक्स क्या है इसके रिगार्डिंग में आपके पास यहाँ स्टेटमेंट गिवन है, अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज एनुअल नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड नियर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये एक एनुअल यानी कि साल में हर साल होने वाला एक एनुअल एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये नेवल एक्सरसाइज है जो अंडमान और निकोबार में कंडक्ट किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज ए ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल का मतलब है जिसमें थ्री कंट्री इन्वॉल्व होती है, और बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट जापान और इंडिया ये तीन कंट्री इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होती है। और आपसे नीचे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इन दोनों में से हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ वन एंड टू यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बोला जा रहा है, और डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए इनमें से सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि नाइदर वन नॉर टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यानी कि पासेक्स एक्स का मतलब होता है यहां पर पैसेज एक्सरसाइज, ठीक है, और ये एक्सरसाइज यूएस नेवी के साथ और जो हमारी नेवी है ये दोनों एक्सरसाइज करती है। तो जो ये बोला गया था कि और ये कंडक्ट कहां किया जाता है, ये अंडमान और निकोबार में ही कंडक्ट किया जाता है, पर जो ये बोला गया कि एनुअल बेसिस पे, ये एनुअल बेसिस पे ना कंडक्ट करा के इसे नॉर्मली जब करवाया जाता है, जब इसकी अपॉर्चुनिटी होती है, जब जरूरत समझी जाती है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करके इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। यानी कि एनुअल बेसिस पे एक्सरसाइज ना हो करके इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कंडक्ट किया जाता है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहां क्या हो गया, गलत हो गया। अब सेकंड एक्सरसाइज सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसमें यह बोला गया था कि भाई यूएसए जापान और इंडिया ये थ्री कंट्री मिलकर यानी कि बायलेटरल एक्सरसाइज करती है इसके अंदर, ये बोला गया था। ये स्टेटमेंट भी गलत है। गलत क्यों है अब ये समझ लिया, वो इसलिए कि इस एक्सरसाइज में इंडिया यूएसए के साथ यानी कि इंडिया हमारी कंट्री यूएसए के साथ एक्सरसाइज करती है। ठीक है, इंडिया और यूएसए दोनों मिलकर के ये एक्सरसाइज करती है। अच्छा, ये एक बात है। उसके बाद जापान के साथ भी यानी कि जापान की जो नेवी है उसके साथ भी, और उसके बाद इंडियन नेवी फ्रेंच यानी कि फ्रांस की जो नेवी उसके साथ भी इस तरह की एक्सरसाइज कंडक्ट कराती है, लेकिन ये बायलेटरल होती है, ट्राइलेटरल नहीं होती। बायलेटरल का मतलब है जहां दो कंट्री एक साथ एक्सरसाइज करती है, ट्राइलेटरल का मतलब होता है थ्री कंट्री एक साथ। तो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज नहीं होती है, बायलेटरल एक्सरसाइज होती है, और इसकी जरूरत जब जरूरत समझी जाती है तब इसे कंडक्ट किया जाता है। इट मीन्स ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, हमारे गलत हो गए। और ये आपको कुछ नाम याद रखने कि हमारी कंट्री की कौन कौन सी शिपयार्ड जो है वो इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो आईएनएस शिवालिक, आईएनएस शायद्री और आईएनएस कमोरता,
और आईएनएस राणा ये हमारी कंट्री से ये इन्वॉल्व होती है इस एक्सरसाइज के अंदर। और यूएस के अंदर से आप समझ सकते हैं यूएसएस निमित्स इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के बारे में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास दो स्टेटमेंट है और आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो बोला जा रहा है आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली फंड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डेफिसिट अगेंस्ट द बॉन्ड एंड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी फंडिंग होता है वो ये बोला जा रहा है आरबीआई के थ्रू होता है और आरबीआई उसके डेफिसिट के अगेंस्ट में यानी कि जो उसे लॉस होता है ठीक है उस लॉस के अगेंस्ट में पेमेंट कौन करता है आरबीआई करता है उसके बॉन्ड एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर लायबिलिटी फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो गवर्नमेंट जो भी बॉन्ड इश्यू करती है उसको पेमेंट करने का उसे चुकाने का जो लायबिलिटी किसके पास होती है आरबीआई की होती है यानी कि गवर्नमेंट कहीं से भी अगर पैसा उठाती है तो उसके पेमेंट का काम आरबीआई करेगी। ये दो स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है कि बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू इट मीन दोनों ही स्टेटमेंट क्या है गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ए का मतलब ये हुआ कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है यानी कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि गवर्नमेंट की जो भी डेफिशिएंसी में जाती है तो जो फंड रिक्वायरमेंट होती है ठीक है वो कौन पूरा करता है वो आरबीआई पूरा करता है। ठीक है वो कैसे करता है करेंसी को प्रिंट करके यानी कि जो करेंसी हम लोग रुपीज नोट वगैरह यूज करते हैं वो कौन प्रिंट करता है आरबीआई प्रिंट करके उस कमी को पूरा करता है। अच्छा उसके बाद आरबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी डेफिसिट होती है ठीक है जो बॉन्ड और सिक्योरिटी से रिलेटेड उन सब के लिए भी जो पेमेंट करता है वो आरबीआई ही करता है। लेकिन जिसमें जो सेकंड वर्ष स्टेटमेंट जो दिया गया था वो गलत क्यों आप वो समझ लेते हैं। वो गलत इसलिए है कि जितनी भी लायबिलिटी होती है उसमें एक फिक्स टाइम होता है। ठीक है अगर फिक्स टाइम तक है तब तो आरबीआई पेमेंट करेगी, अदरवाइज दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं होती है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, इट मींस करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया ए हो गया। ठीक है और ये जो एक्टिविटी की जाती है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू की जाती है जिसके अंदर आरबीआई क्या करती है कि जो आरबीआई की सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी बॉन्ड सिक्योरिटी इश्यू की थी उसे कई बार सेल कर देती है कई बार परचेज करती है। तो ये दोनों तरह की एक्टिविटी करती है जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशन भी बोला जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यानी कि अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और इसके अकॉर्डिंग आपको ये दो स्टेटमेंट दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने बता दें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इन्वेक्स अ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी विच एम्स टू प्रमोट प्रोटेक्ट इनफोर्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर यानी कि इस लॉ को लाने का यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जो मेन मोटिव है उसका लाने का मोटिव ये है कि कंज्यूमर को ठीक है उसको प्रमोट करना प्रोटेक्ट करना और उसे इन्फोर्स करना और उसके कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड यानी कि कोई उसके साथ धोखाधड़ी ना हो उसके साथ एक बिल्कुल बैलेंस जो तरीके से जहां पे कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो और जो प्रोड्यूसर है मैन्युफैक्चरर है उसको भी बेनिफिट हो तो उस तरह का काम करना यानी कि चीटिंग ना हो सके किसी कंज्यूमर के साथ इस तरह का प्रोटेक्शन काम करना मेनली इसका एम है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 आर एडवाइजरी इन नेचर यानी कि अब क्या हुआ कि 1986 के बाद जब ये दोबारा जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया इसके अंदर ई कॉमर्स के बारे में भी आपको बोला जा रहा है कि इसको भी इन्वॉल्व कर लिया गया है और इसके रिगार्डिंग जो एक्शन होगा वो एडवाइजरी नेचर का होगा ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो आपके पास अब चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ वन टू दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर।
ठीक है, ये चार ऑप्शन है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो स्टेटमेंट वन ही सिर्फ करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो मैंने अभी बोला कि रिसेंटली लॉन्च हुआ, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जुलाई 20 को ये मार्केट में जो भी सेल परचेज होता है या जो भी हम लोग परचेज करते हैं उसके रिगार्डिंग ये लॉ अभी इंप्लीमेंट हुई है, और इसके अकॉर्डिंग अब जो कंज्यूमर है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड की गई हैं, और उसे प्रोटेक्शन करने के लिए कि उसके साथ कोई चीटिंग ना हो इसलिए इसे लाया गया है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, और इससे पहले जो 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसकी के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करके इस न्यू वर्जन को लेके आया गया है। अच्छा, अब इसके लाने की जरूरत इसलिए पड़ गई है, अब उसके बारे में समझ लेते हैं। जब 1986 में जब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था तब उस टाइम ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती थी, यानी कि ई कॉमर्स वगैरह का कोई अस्तित्व उस टाइम नहीं था, तो उसके रिगार्डिंग में कोई भी प्रोविजन इस एक्ट के अंदर यानी कि 1986 वाले एक्ट के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं थे। तो कई बार धोखाधड़ी वगैरह इस तरह की जो चीजें होती थी जो ऑनलाइन परचेज में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में तो काफी प्रॉब्लम हो जाती थी, इसलिए इसकी जरूरत पड़ गई। ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट आपसे ये बोला गया कि भी ये एडवाइजरी नेचर का है, नहीं ये गलत है। यानी कि ई कॉमर्स के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो रूल बनाए गए हैं 2020 में जो इंप्लीमेंट हुए ये मैंडेटरी है, यानी कि ये अब डायरेक्ट जाके जो शॉपिंग करते हो उसमें भी लागू होता है। अगर आप ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन करते हो, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करके भी सामान मंगवाते हो तो उसमें भी ये राइट आपके पास प्रोवाइड किए गए कि आपके पास अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो सके आपके लिए, और कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट भी ना हो, इसके रिगार्डिंग ये रूल बहुत ही सख्त कर दिए गए हैं और मैंडेटरी बना दिए गए हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट हो गया, सेकंड हमारा गलत हो गया। क्यों? एडवाइजरी नेचर का ना हो कि ये मैंडेटरी नेचर का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया इसके अंदर ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका रिगार्डिंग पोस्टल बैलेट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में आपके पास यहां पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए और ये स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द बैलेट पेपर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक टू इलेक्ट्रोल एंड आर टर्न टू द इलेक्शन ऑफिसर वाया पोस्ट। यानी कि ये जो पोस्टल बैलेट की अगर बात करें हम, तो ये मतदाता यानी कि जो इलेक्ट्रो जो वोटर्स होते हैं उसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है, और फिर बाद में इसे जो भी इलेक्शन होता है जब इसको वोटिंग होती है तब इसे वापस रिटर्न कर दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। सेकंड में आपसे ये बोला जा रहा है एज ऑफ नाउ ओनली सर्विस वोटर आर अलाउड टू कास्ट देयर वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। यानी पोस्टल बैलेट के थ्रू जो वोटिंग होती है इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि जो सर्विस वोटर है यानी कि जो किसी सर्विस के अंदर है उसी को ये राइट है ये इस तरह के वोट को कास्ट कर सकते हैं। फिजिकली किसी पोलिंग स्टेशन जाने की वजह वो बाई पोस्ट बोल सकते हैं या पोस्टल बैलेट को ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि भी करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ वन टू दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सिर्फ ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपको सही बताया गया है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्यों है पहले वो देख लेते हैं। तो गलत होने की वजह ये है कि इसमें ये जो बोला गया आपसे कि सर्विस वोटर ही पोस्टल बैलेट को यूज कर सकते हैं ये बात बिल्कुल गलत है। अब ये ऑप्शन जो है ये जो एक तरह जो फैसिलिटी है ये जो भी वोटर है बाकी दूसरे वोटर को भी ये चीजें ये अप्लाइड हो गई है, उनको भी ये फैसिलिटी मिल गई है। यानी कि जो भी इलेक्शन ड्यूटी पे है उन सबको ये राइट है कि भी वो भी ये पोस्टल बैलेट यूज कर सकते हैं। सर्विस वोटर तो वो होते हैं जैसे आर्मी वाले हो गए जो अपने स्टेशन पे यानी कि अपने पोलिंग स्टेशन पे नहीं पहुंच सकते, ये तो वो हो गए सर्विस वोटर, और इलेक्शन ड्यूटी पे जिनकी भी ड्यूटी लगती है उन वो सब भी ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये सारी प्रोविजन तो थी लेकिन अभी रिसेंटली ये हुआ है कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की है या फिर पर्सन विद 80 ईयर्स से अबव जो भी सिटीजन है हमारी कंट्री के अंदर उन सबको भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है अभी रिसेंटली कि भी वो भी पोस्टल बैलेट का यूज कर सकते हैं, उनको भी डायरेक्टली पोलिंग स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। और ये सेक्शन 60
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर चेंजेस करके ये प्रोविजन रखा गया है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाता है, यानी कि सिर्फ सर्विस वोटर वाले नहीं बाकी और दूसरे लोगों को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा जो लोग डिटेंशन में है, यानी कि जैसे अभी आपको पता होगा जेएनके में, जब जेएनके को में जो इसे यूटी बनाया गया तो कुछ लोगों को डिटेंशन में रखा गया था, यानी कि जो डिटेंशन में जो लोग हैं उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए कि किन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 80 ईयर प्लस जो लोग हैं उनके लिए, और प्रिवेंशन जो जिनको डिटेंशन में रखा गया उनके लिए भी ये फैसिलिटी अब अवेलेबल है। पहले ये सर्विस वोटर तक था, बाद में इसे इलेक्शन कम जो इलेक्शन में जो ड्यूटी लगती है, ठीक है, उनके पास ये सर्विस प्रोवाइड की गई थी, इसे अब बाद में इन तीनों को और प्रोवाइड की जा रही है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे आपके पास तीन स्टेटमेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीन स्टेटमेंट है और आपसे पूछा जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसे NFRA भी शॉर्ट में बोला जा रहा है। इसके बारे में बोला जा रहा है ये स्टैचुरी बॉडी है, यानी कि जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन है, ये उस तरह की बॉडी के बारे में आपको बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि NFRA यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है, इसके बारे में बोला जा रहा है ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है रिगार्डिंग, ये किस चीज के रिगार्डिंग में, ऑडिट स्टैंडर्ड को लेकर के, यानी कि जो ऑडिट होता है हमारी कंट्री में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लेकर के, उसके रिगार्डिंग में उसे इन्फोर्स करने के लिए रेगुलेटर को, रेगुलेटर के रूप में काम करता है, उस रूल रेगुलेशन को इन्फोर्स कराने के लिए ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट ये इंस्टीट्यूशन है। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है कि NFRA कैन प्रोवोक ऑल लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी, जितनी भी है पब्लिक कंपनी जितनी भी है, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, सबके जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो करते हैं पूरे 3/8 ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसके अंदर ये प्रोवोक कर सकता है, यानी कि उसके अंदर ये जांच कर सकता है। तो ये तीन स्टेटमेंट है रिगार्डिंग NFRA। अब आपको ये बताने की करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1-2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट 1-2-3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब है सिर्फ जो सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया गया सिर्फ ये सही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये जो बोला गया ये स्टैचुरी बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी नहीं है बल्कि ये एक लॉ के द्वारा फॉर्मेट ये फॉर्म किया गया है अभी 1 अक्टूबर 2018 में, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 जो है इसके अंदर चेंजेस करके, यानी कि जो इसके सेक्शन 132 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर चेंजेस करके NFRA को इसे बनाया गया, इसे एस्टेब्लिश किया गया है, यानी कि ये जो बोला गया था आपसे कि स्टैचुरी बॉडी है, नहीं ये एक स्टैचुरी बॉडी नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए आज ये बन जाता है, अब ये बताना है आपको कि स्टैचुरी बॉडी क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन जितने भी होती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जितने भी होती है उसके टाइप्स क्या क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये अलग अलग टाइप को इंस्टीट्यूशनल क्या क्या होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, वो आपने बताना। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए है जिसमें ये बोला गया था भाई इसके पास ये एक तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि ये जो भी हमारी कंट्री के अंदर ऑडिट का जो स्टैंडर्ड होता है उसे इन्फोर्स करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए इसे बनाया गया है। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑडिटिंग को के स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए, उसे रेगुलेट कराने के लिए इसे बनाया गया, और ये जो इंस्टीट्यूशन है इंडिपेंडेंट नेचर का, यानी कि खुद अपने आप डिसीजन ले सकता है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि भी जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट के अंदर कि थर्ड स्टेटमेंट में ये बोला गया कि लिस्टेड कंपनी, ठीक है, और जो अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, ये दोनों के अंदर ये काम कर सकते हैं, ये प्रॉब कर सकता है, यानी कि इंक्वायरी सेटअप रख सकता है। नहीं, ये गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सही स्टेटमेंट ये है कि जिन भी कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है, ठीक है, लेस देन 500 करोड़ है, और ये बोला जा रहा है कि एनुअल टर्नओवर लेस देन 1000 करोड़ है, ठीक है, उनके ऊपर ये काम कर सकती है जो अनलिस्टेड कंपनी है। तो यानी कि जो इसकी क्राइटेरिया है वो डिफरेंस है।
अच्छा, मेनली जो इसे बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी सीए हैं यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको रेगुलेट करने के लिए, कि कई बार वो लोग क्या करते हैं किसी का टैक्स बचाने के लिए एक तरह से मिसकंडक्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग वर्क नहीं करते हैं। यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो भी अकाउंट ऑफ इंडिया जो जिसे शॉर्ट में ICAI के जितने भी मेंबर्स हैं, यानी कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी कंट्री के अंदर है, कोई वो कोई मिस प्रैक्टिस करते हैं या कि माल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक से काम नहीं करते, तो उनको रेगुलेट करने के लिए भी, उसको ऑडिट के काम को जांचने के लिए भी इसे बनाया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड के अंदर जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, उससे रिलेटेड पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इन्वॉल्व नहीं होती है। ध्यान रखिए यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, इट मींस वो इंस्टीट्यूशन आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि इन्वॉल्व नहीं होती है। आपके पास ये चार ऑप्शन है, चार डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं जो फूड सिक्योरिटी में इन्वॉल्व नहीं होती, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन ए है आपके पास, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर एग्रीकल्चर और उससे डेवलपमेंट से रिलेटेड जो काम किया जाता है एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिसे शॉर्ट में IFADV बोला जा रहा है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही है सेकंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसे हम लोग जानते हैं ILO के नाम से, ILO ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड काम नहीं करती। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है WHO, WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि फूड सिक्योरिटी से लेकर इन्वॉल्व नहीं होती है किसी प्रोग्राम के अंदर। ये चार ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि वर्ल्ड रिपोर्ट जो तैयार की जाती है फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उसमें कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो इन्वॉल्व नहीं होती है। याद रखिएगा नॉट बोला गया है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और आंसर बताइए क्या सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सी का मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है उसमें इन्वॉल्वमेंट इसकी नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं उन इंस्टीट्यूशन की जो इसमें इन्वॉल्व होती है। तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये एक तरह से एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है जो कि ज्वाइंटली प्रिपेयर की जाती है अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं कि FAO का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वॉल्व होती है, नंबर वन। नंबर टू आप बोल सकते हैं IFADV यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। और नेक्स्ट है यूनिसेफ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म जानते होंगे आप, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ये भी इन्वॉल्व होती है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट बोला जा रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये भी इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व होती है। और लास्ट में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल पे है, ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि टारगेट है इंटरनेशनल लेवल पे रखा गया है, जो कि सेकंड SD गोल है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो सेकंड गोल है कि हंगर नहीं होनी चाहिए 2030 तक वाइल्ड लेवल पे, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे 2030 तक हंगर को रिमूव करने का जो टारगेट रखा गया उसके तहत ये सारी इंस्टीट्यूशन काम करती है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, ये इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा आज कि भी ये जितनी भी इंस्टीट्यूशन जिनका नाम मैं ले रहा हूं एक एक करके, यानी कि FAO की बात कर लीजिए, ठीक है, यूनिसेफ की बात कर लीजिए, ठीक है, यूनिसेफ के बाद नेक्स्ट है आपका IFADV की बात कर लीजिए, या फिर WEP यानी कि वर्ल्ड फूड WFE वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात कर लीजिए, या WHO की बात कर लीजिए, ये जितनी भी इंस्टीट्यूशन आपको दिख रही है इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ना, एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, इनके हेड कौन है और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब आपको कमेंट में बताना है। चलिए ILO के बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सैरो सर्विलेंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है,
कि विद रेफरेंस टू द सेरो सर्विलेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट है वन और ये स्टेटमेंट टू आपके पास गिवन है और इसे ध्यान में रखते हुए आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अगर हम सेरो सर्विलेंस की बात करें तो स्टेटमेंट वन में आपसे बोला जा रहा है इट सीक्स टू एक्सेस द प्रीवेलेंस ऑफ द डिसीज इन द पॉपुलेशन बाय डिटेक्टिंग द प्रीवेंस प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। स्पेसिफिक एंटीबॉडी के थ्रू हम लोग ये जानकारी इसमें लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर बीमारी या डिसीज किसी पर्टिकुलर लोकेशन में किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप में अगर हो रहा है उसे डिटेक्ट करने में ये काम आती है। ये बताया जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में रिगार्डिंग सेरो सर्विलेंस के बारे में। ठीक है, किसी आप ये समझ सकते हैं किसी पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ पीपल की बात की जा रही है, वहां पर एंटीबॉडीज को यूज करके वहां पर कोई डिसीज फैली हुई उसे डिटेक्ट करने में ये काम करती है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है इट इंडिकेट पास्ट इन्फेक्शन, यानी कि ये जो सर्विलेंस होता है ये पास्ट में कोई इन्फेक्शन फैला उसके बारे में बताता है एंड डिटेक्ट एक्टिव इन्फेक्शन, और एक्टिव इन्फेक्शन कोई अगर फैलने वाला या अभी प्रेजेंट में है उसको भी आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करती है। कहने का मतलब है कि पास्ट टाइम में यानी पुराने टाइम पे कोई इन्फेक्शन फैला था किसी एरिया में किसी पॉपुलेशन में उसे पता करने में, और उसके साथ साथ जैसे वर्ड लिखा है आल्सो, यानी उसके साथ साथ अभी करंट में कोई एक्टिव केस है किसी इन्फेक्शन के रिलेटेड उसके बारे में भी बताता है सेरो सर्विलेंस। तो ये चार ऑप्शन है, आपको करेक्ट आंसर आपका चूज करना है इन ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ वन एंड टू दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट क्या है गलत है। तो करेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये हुआ सिर्फ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अगर सेरो सर्विलेंस की अगर हम बात करें, जैसे इसमें बोला गया था आपको कि किसी डिसीज के बारे में किसी पॉपुलेशन के अंदर किसी डिसीज के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक एंटीबॉडी को यूज करके किसी वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है किसी पॉपुलेशन के अंदर, यानी कि आप ये कह सकते हो किसी डिसीज के बारे में डिटेक्ट करने में किसी पॉपुलेशन के अंदर उस डिसीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में ये काफी यूजफुल होती है। इट मींस ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, और ये जो डेवलप किया जाता है हमारी इम्यूनिटी को सर्टन किसी डिसीज के हिसाब से हमारी इम्यूनिटी कैसी, यानी कि जो हमारी रोल डिसीज से लड़ने की जो हमारी जो कैपेसिटी होती है उसके बेसिस पे ये काम किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसके अंदर ये बोला गया कि पास्ट टाइम पे अगर कोई डिसीज फैली हुई है उसको तो ये डिटेक्ट करती है, उसके अलावा जो एक्टिव केस है उसे भी डिटेक्ट करती, नहीं भाई एक्टिव केस को ये को डिटेक्ट नहीं कर पाती, ये सिर्फ जो पास्ट में कोई अगर डिसीज हो रखी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एक्टिव केस को ये नहीं बता पाती। इट मींस ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा वो गलत हो जाएगा, अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि अभी करंट में जो डिसीज चल रही है वर्ल्ड ओवर जो COVID-19 के इन्फेक्शन की वजह से ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो एलिजा क्या है या फिर एलिजा किट कि जो अभी अप्रूव्ड हुआ है इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ हमारी कंट्री के अंदर जो ICMR जो इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेट करती है मेडिसिन और या मेडिकल सेक्टर में जो काम करती है, इस वजह से ये काफी न्यूज में आ गया है और आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आपको आज थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ना है कि भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो हमारी कंट्री में अंदर है जो कि किसी भी चीजों को अप्रूव करती है इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये भी मेडिसिन से रिलेटेड है, यानी कि आप बोल सकते हैं ये भी हेल्थ सेक्टर से ही एक क्वेश्चन और आपके लिए पूछा जा रहा है, जिसमें क्वेश्चन में टर्म है विद रेफरेंस टू द, ये मैंने थोड़ा इसे अलग कर दिया है ताकि रीड करना आसान हो जाए मेरे लिए, डिक्लोरोडिफेनट्रिकोलोरेंथीन जिसे शॉर्ट में DDT बोला जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दोबारा बोलता हूं, डिक्लोरोडिफेनट्रिकोलोरेंथीन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और ये जो टर्म है इसके रिगार्डिंग में ये दो स्टेटमेंट दिए गए। अब ये टर्म ही यूनिक लग रहा है इस वजह से क्वेश्चन पूछने के आपके लिए चांसेस हो जाते हैं क्योंकि इसे प्रोनाउंस करना भी मेरे लिए भी टफ हो रहा है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास ये दो स्टेटमेंट दिया गया इसके रिगार्डिंग में। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है इट वॉज बैंड बाय द एग्रीकल्चर यूज अंडर द स्टॉकटन कन्वेंशन। स्टॉकटन एक सिटी है किसी कंट्री के अंदर, आपको कंट्री बतानी है, जहां पे कन्वेंशन हुआ था उस कन्वेंशन में ये बोला गया कि ये जो पर्टिकुलर चीज है इसका हम यूज नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर यूज इसका हम नहीं करेंगे और इसे बैन किया गया, ये बोला गया। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है।
सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है इट इज यूज्ड एज अ केमिकल इफेक्टिव इन द रिड्यूसिंग मलेरिया इन्फेक्शन, यानी कि मलेरिया की इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में, कम करने में इसका एक केमिकल इफेक्ट यूज होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट में इसके बेनिफिट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि इसका बेनिफिट ये है कि हम मलेरिया जैसी डिजीज को कम कर सकते हैं। और फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला गया कि इसको बैन कर दिया गया था इसका एग्रीकल्चर यूज के लिए। और अब आपके पास दो स्टेटमेंट है, अब दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ वन टू दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन दोनों स्टेटमेंट क्या है गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब यह है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। किसके बारे में? डीडीटी के बारे में, जिसे डाइक्लोरोऑडीफेन ट्री क्लोरेथिन बोला जाता है, ठीक है। इस डिसीज के बारे में ये बोला जा रहा है, जो मैंने आपसे बोला कि भी स्टॉकटम कन्वेंशन हुआ था, और कन्वेंशन हुआ था, इस कन्वेंशन में ये बोला गया कि इस पर्टिकुलर केमिकल का हम एग्रीकल्चर यूज नहीं करेंगे, और इसे बैन कर दिया गया था। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट हो गया, और सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि इस केमिकल का यूज किया जाता है मलेरिया जैसी डिसीज को कम करने में, यानी कि मलेरिया को खत्म करने में काफी यूजफुल हुई है। और WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग जो डाटा है उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीकन कंट्री जितनी भी है, इंक्लूडिंग इंडिया भी, इंडिया अफ्रीकन कंट्री नहीं है, एशियन कंट्री है, बट इंडिया और इंडिया के अलावा जो साउथ अफ्रीकन कंट्री है, वो सारी कंट्री क्या कर रही है, इसे यूज करती है मलेरिया जैसी डिसीज से फाइट करने में। कौन कौन सी कंट्री? साउथ अफ्रीका हो गई आपकी, ठीक है, साउथ यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जिम्बाब्वे, जामीबिया, नामीबिया, मोजम्बिक्यू, और हमारी कंट्री इंडिया। तो ये सारी जो कंट्री है जो कि इसे यूज करती है फाइट करने में मलेरिया जैसी डिसीज के साथ। तो आपको ये एक बार मैप में जरूर इन सारी कंट्री को देख लेना, इनकी कैपिटल क्या है वो देख लेना, या कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कुछ कुछ चीजें आपको एक बार नजर मार लेना, आपको गूगल मैप यूज कर लीजिए या फिर एटलस वगैरह यूज करके थोड़ा बहुत इन सारी कंट्री के बारे में लोकेशन जरूर देखिएगा। अच्छा, अब इस डिसीज के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इसे 1874 में इसके बारे में इसे फर्स्ट टाइम इसे सेंथेनाइज किया गया था, और इसे ऑस्ट्रिया के एक केमिस्ट ने किया था जिसका नाम है ऑथमर जेनेडर, इसने किया था। अब बाद में इससे रिलेटेड जो इंसेक्टिसाइड्स जो बनाया गया था, जो कि आज केमिकल के रूप में यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर में भी, और साथ के साथ डिसीज से फाइट करने में, ये इसका जो डिस्कवरी जो की गई थी वो बाद में की गई थी पॉल हरमैन मुलर ने की थी 1939 में, और 1939 में इस डिस्कवरी के लिए इसे जो इन्होंने 1939 में डिस्कवरी की थी 1948 में इसे इस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था मेडिसिन फील्ड के लिए, ठीक है। तो इस वजह से ये सारे कुछ फैक्ट है जिस वजह से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको बस ये ध्यान रखना, ये तो चलो बाहर का है, स्विट्जरलैंड का पर्सन है जिसे नोबेल प्राइज मिला, आपको ये पता होना चाहिए हमारी कंट्री में यानी कि इंडियन ऐसा कौन है जिसे मेडिसिन में जिसे नोबेल प्राइज मिला हो, उसका नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई हमारी कंट्री से भी है जिसे मेडिसिन फील्ड में कोई नोबेल प्राइज मिला हो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनोदर्पण इनिशिएटिव। अब ये मनोदर्पण इनिशिएटिव क्या है, इसके रिगार्डिंग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपने ये बताना है कि भी इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज एम टू साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये मनोदर्पण इनिशिएटिव का जो मेन मोटिव है, मेन एम है, इसके बारे में बोला जा रहा है ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कुछ स्टूडेंट को फॉर द देयर मेंटल हेल्थ एंड द वेलबींग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोविड-19। यानी कोविड-19 के टाइम पे कोई बच्चा स्ट्रेस में चला जाए, कोई स्टूडेंट मेंटली किसी डिजीज को ना फेस करे, उससे रिलेटेड ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है मनोदर्पण इनिशिएटिव। स्टेटमेंट वन में आपको ये बोला जा रहा है, स्टेटमेंट टू में आपसे बोला जा रहा है द इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया उसके बारे में आपको ये बताया जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के। आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है वन एंड टू यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन ये दोनों स्टेटमेंट क्या है गलत है।
तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या, चलिए आइडेंटिफाई करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ए का मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोला गया था ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर मनोदर्पण इनिशिएटिव ये जो लॉन्च किया गया ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया, कि ये जो अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है COVID-19 की वजह से, जिसमें स्कूल कॉलेज और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो खुल नहीं पा रहे हैं और स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उनके साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है इनको, कहीं इनको मेंटल हेल्थ जैसी कोई प्रॉब्लम या कोई टेंशन क्रिएट ना हो इनके दिमाग में, इसे हेल्प प्रोवाइड करने के लिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया है प्रोग्राम, इसका नाम है मनोदर्पण इनिशिएटिव। यानी कि आप इससे समझ गए कि सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो गया, कि इसे हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं बल्कि इसे एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसे हम हमारी कंट्री में जिसका नाम क्या है MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, और इस इनिशिएटिव के अंदर क्या होता है कि एक ग्रुप बना दिया जाता है, कुछ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट की जाती है, ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म क्रिएट की गई है, किसी एडवाइजरी और जो भी एक्सपर्ट लोग हैं वो वेब सेमिनार कंडक्ट करके स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, जिसमें काउंसलर होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं जो कि स्टूडेंट को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए भी मनोदर्पण ये इनिशिएटिव है क्या, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अभी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम क्या है या अभियान क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में भी आज पढ़ाई करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द ग्लोबल फंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी ग्लोबल फंड क्या है, इस टर्म को रिलेटेड आपके पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ग्लोबल फंड टर्म क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका यूज क्या है ये पता होना चाहिए, ये क्रिएट क्यों किया गया ये भी पता होना चाहिए, और इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपको ये सब क्लियर है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप ग्लोबल फंड के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है। द फंड वॉज क्रिएटेड टू द एंड ट्यूबरक्लोसिस एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी कि ये कुछ डिसीज है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम शॉर्ट में टीबी भी बोल देते हैं, टीबी की बीमारी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कि एड्स से रिलेटेड है, या फिर हम और भी डिसीज के बारे में बोला जा रहा है एंड मलेरिया, और इस एपिडेमिक सिचुएशन जो क्रिएट हो जाती है इन बीमारी की वजह से, इसको फाइट करने के लिए इससे रिलेटेड ये फंड क्रिएट किया गया ग्लोबल लेवल पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर। स्टेटमेंट वन में आपको ये बोला जा रहा है। स्टेटमेंट सेकंड में आपसे बोला जा रहा है, इंडिया शेयर अ पार्टनरशिप विद ग्लोबल फंड ओनली एज ए रिसिपिएंट। यानी कि हमारी कंट्री के बारे में बोला जा रहा है, हमारी कंट्री इस ग्लोबल फंड का एक पार्टनरशिप तो की है इंडिया ने, पर इंडिया क्या करती है सिर्फ रिसीव करती है, रिसिपिएंट है इंडिया हमारी कंट्रीज की, यानी कि रिसीव करती है फंड, प्रोवाइड नहीं करती है। यानी कि हमारी कंट्री एक गरीब कंट्री समझ लीजिए जो कि ग्लोबल लेवल पे फंड को रिसीव करती है बहुत सारे डिसीज से फाइट करने के लिए, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो ये दो स्टेटमेंट थे, अब आपको बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में जो बोला जा रहा है बोथ वन टू दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों स्टेटमेंट क्या है गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ग्लोबल फंड के रिलेटेड, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सिर्फ वो करेक्ट है। यानी कि ये जो बोला गया कि ग्लोबल फंड जो क्रिएट की गई है, ये इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये जो फंड की गई इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है $2 बिलियन US इसमें इन्वेस्ट किया गया है, वो इसलिए किया गया कि वर्ल्ड लेवल पे जो डिसीज है उसको उसके टैकल करने में, उसे लोगों को रिकवर करने में हेल्प प्रोवाइड किया जा सकते हैं, जिसके अंदर जो कुछ कुछ डिसीज के नाम आपको दिए गए हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे हम शॉर्ट में एड्स भी बोलते हैं, या फिर हम बात करें मलेरिया जैसी जो एपिडेमिक डिसीज है, इसको टैकल करने के लिए वर्ल्ड लेवल में ये फंड क्रिएट किया गया था 2002 में। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, और ये जो एक तरह से पार्टनरशिप में बिटवीन गवर्नमेंट यानी कि अलग अलग कंट्री के जो गवर्नमेंट है वो लोग मिलकर के, सिविल सोसाइटी, टेक्निकल एजेंसीज है और प्राइवेट सेक्टर, यानी कि ये सारे मिलकर के ये ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, फंड क्रिएट करती है और उन जरूरतमंद लोगों को हेल्प करती है जो कि इस तरह के डिसीज की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं।
सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि हमारी कंट्री इंडिया जो है रिसिप्टेंट है, यानी कि रिसीव करती है यहां से फंड, और उसके लिए हमारी कंट्री ने पार्टनरशिप की हुई है। ये बात बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए कि हमारी कंट्री रिसीव ही नहीं करती बल्कि प्रोवाइड भी करती है। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि भी हमारी कंट्री ने अनाउंस किया है कंट्रीब्यूट करने के लिए कि $22 मिलियन हमारी कंट्री ने अनाउंस किया इसे प्रोवाइड करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए। इस वजह से ये क्वेश्चन काफी न्यूज में हो गया आपके लिए, इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये जो फंड हमारी कंट्री ने जो अनाउंस किया है वो ग्लोबल लेवल पर एड्स, टीबी, मलेरिया जैसी डिजीज को फाइट करने के लिए ये प्रोवाइड की जा रही है हमारी कंट्री की तरफ से। यानी कि आप ये समझ सकते हैं हमारी कंट्री अब ग्लोबल लेवल पे फंड को रिसीव ही नहीं करती है, अब प्रोवाइड भी करती है। इट मींस ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इट मींस करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछा जा रहा है और उसके बारे में यहां आपके पास दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है दिस आर्ट फॉर्म इज प्रैक्टिस ओनली इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार, यानी कि इस पेंटिंग के बारे में बोला जा रहा है बिहार का जो मिथिला रीजन है, क्षेत्र है, उस एरिया में ही इसे प्रैक्टिस किया जाता है, ये बोला जा रहा है बिहार के अंदर। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द पेंटिंग थीम एंड डिजाइन हाईलाइट रीजनल बिलीफ ओनली, यानी कि मिथिला पेंटिंग के अंदर क्या है सिर्फ और सिर्फ जो रिलीजियस चीजें हैं उसी चीज को रिफ्लेक्ट किया जाता है, इसके अलावा किसी और चीज को नहीं देखा जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट 1-2 करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2। इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट क्या है गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्यों वो समझ लेते हैं। जैसे आपको ये बोला गया कि ये पेंटिंग सिर्फ मिथिला रीजन बिहार के अंदर ही होती है, ये बात गलत है। ये बिहार के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल, तो नेपाल और बिहार दोनों के अंदर ये पेंटिंग होती है, यानी कि नेपाल के लोग भी और बिहार के भी लोग दोनों के दोनों इस पेंटिंग को उनका कल्चर का पार्ट है। ठीक है, तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अच्छा, इस पेंटिंग के अंदर क्या होता है, लॉर्ड कृष्णा, राम, लक्ष्मी, शिवा, दुर्गा, मां सरस्वती, इन सबको थीम बना करके पेंटिंग की जाती है। इसके अलावा ये तो वही रिलीजियस बात हो गई, इसके अलावा रिलीजियस चीज को छोड़कर और भी दूसरे डिजाइन पे भी फोकस किया जाता है, जिसमें सूरज और चांद के ऊपर भी बनाया जाता है, तुलसी की भी पेंटिंग की जाती है, उसके अलावा शादी वगैरह कोई सीन है उसके रिगार्डिंग में भी पेंटिंग की जाती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो सिर्फ रिलीजियस थीम को ही नहीं बल्कि और भी दूसरी चीजों के ऊपर भी फोकस किया जाता है, और इसके ऊपर अलग अलग तरह के डिजाइन या मैथमेटिकल शेप को भी यूज किया जाता है। यानी कि ये कहना कि भी ये सिर्फ रिलीजियस पेंटिंग है या रिलीजियस चीजों को रिफ्लेक्ट करता है गलत है। ये रिलीजियस के साथ साथ ज्योमेट्रिकल पैटर्न को भी और बाकी दूसरी चीजों को भी, नेचर को भी रिफ्लेक्ट करता है अपनी पेंटिंग के माध्यम से। यानी कि हमारे जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। और मेनली जो पेंटिंग की जाती है ये लेडीज के द्वारा, यानी कि वुमेन जो इस रीजन के अंदर है, यानी कि बिहार का मैथिली वाला क्षेत्र और नेपाल वाला जो एरिया है उस एरिया में ये पेंटिंग सबसे ज्यादा होती है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। अच्छा, इस पेंटिंग के बारे में मैं और बोलूंगा, अगर आपको ज्यादा जानना है ये पेंटिंग क्या है तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस वीडियो से आप देख सकते हैं कि आखिर ये मिथिला पेंटिंग होती क्या है। इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि किस टाइप से पेंटिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रिगार्डिंग द क्रिटिकली ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कुछ स्टेटमेंट आपको दे दी गई है, स्टेटमेंट नहीं ऑप्शन आपको दे दिए गए, और आपको ये बताना है कि भी कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्ट है अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। क्रिटिकली जो आपको ऑब्जर्व करके इन सब के बारे में बताना है कि सही चीज क्या है इसके बारे में, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है इट इज द कंडीशन वेयर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इज एग्जॉस्ट, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब यह होता है जितने भी न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं उसको एक साथ एग्जॉस्ट किया जाता है, मैक्सिमम जितना भी लिमिट जितनी भी होती है उसे मैक्सिमम लिमिट को एग्जॉस्ट किया जाता है। ऑप्शन ए में ये बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है द न्यूक्लियर फ्यूल इनसाइड अ रिएक्टर सस्टेन फिशन
चेन रिएक्शन, यानी कि इसके अंदर अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर रिएक्टर की, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है, इसमें क्या होता है, एक चेन क्रिएट कर दी जाती है और ये सस्टेन किया जाता है किसी चीज के अंदर। अब बाद में जब इसको यूज किया जाता है तो एक तरह से ये बोल दीजिए कि भी चेन में ये रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ये बोला जा रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है इट इज द कंडीशन ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट लीडिंग टू फेटल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है एक तरह से एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट में क्या होता है, फेटल रेडिएशन होता है, यानी रेडिएशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में ये कंडीशन क्रिएट की जाती है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है द स्टेज इज स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड टू द प्रोड्यूस एंड अनकंट्रोल रिएक्शन इन द न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन में जो अनकंट्रोल रिएक्शन करवाना ही जो करवाया जाता है उसी को हम न्यूक्लियर रिएक्टर बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में ये चार स्टेटमेंट है, आपको ये चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर की। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, क्वेश्चन को चूज करके आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, एक्चुअल में ये क्या होता है, एक फ्यूल होता है। ठीक है, जिसे रिएक्टर में सस्टेन किया जाता है और जब इसे यूज किया जाता है एक चेन रिएक्शन क्रिएट करके, यानी कि वन बाय वन एक चेन क्रिएट होती है और उस चेन से फिर जो भी ब्लास्ट या जो चीज भी हमें करवाना होता है या इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए यूज करना होता है, जैसे भी यूज करना होता है हम यूज करते एक चेन करवा करके, यानी कि कह सकते हो रिएक्शन का एक चेन बनाया जाता है इसके अंदर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी इसके बारे में आप थोड़ा और भी पढ़ सकते हैं कि इससे कौन कौन सी ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जो कि न्यूक्लियर पावर है जिनके पास, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये तो सब जानते हैं कि अमेरिका ने जापान में न्यूक्लियर बम है यानी हाइड्रोजन बम है वो गिराया था, ये सबको मालूम है, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए वो दो बम कौन कौन से, ये आप कमेंट करके आज मुझे बताइएगा कि वो कौन से दो बम है जो कौन हिरोशिमा और नागासाकी में जो गिराया गया था। ठीक है, आपको उनका नाम बताना है कि एक्चुअल में उसका नाम क्या है, प्लेस के बारे में सबको पता है, किसने गिराया ये भी सबको पता है, लेकिन नाम क्या है ये बताना है आपने। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा हलो हलो रेचा ड्यू टू विच रिसेंटली द लुनार लेक टर्न पिंक ऑफ अ काइंड ऑफ, यानी कि हलोरेचा के बारे में बोला जा रहा है जिसकी वजह से एक जो लोनार लेक है हमारी कंट्री के अंदर, लोनार लेक के अंदर जो उसका जो कलर होगा वो पिंक में कन्वर्ट हो गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है ये होलार रेचा आखिर टर्म क्या चीज है, आपको ये बताना है कि होलार रेचा ये टर्म क्या है, होलार रेचा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जिसकी वजह से अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो लोनार लेक है हमारी कंट्री के अंदर उसका जो कलर है वो पिंक में कन्वर्ट हो गया है, आपको ये बताना है कि भी ये चीज क्या है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है एक तरह से कि बैक्टीरिया है, या हलोरेचा एक बैक्टीरिया बोला जा रहा है ऑप्शन ए में। बी में आपसे बोला जा रहा है ये फंगी है जिसकी वजह से लेक का पूरा कलर पिंक हो गया। सी में आपसे बोला जा रहा है लाइकेन है ये, ठीक है, इसकी वजह से ये कलर चेंज हुआ है। और लास्ट डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ये फन है। तो आपको ये बताना है चार ऑप्शन में से ये होलार रेचा जो टर्म है जो अभी रिसेंटली न्यूज में भी चल रहा है जिसकी वजह से लोनार लेक का रंग जो वाटर का जो कलर है वो पिंक में कन्वर्ट हो गया, उसके पीछे जो रीजन तो पता लग गया आपको होलार रेचा है, लेकिन होलार रेचा टर्म है क्या चीज ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये एक तरह से बैक्टीरिया है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र के अंदर बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर वहां पर एक लेक है जिसका नाम है लोनार लेक, और लोनार लेक में जो पानी है उसका जो कलर वो पिंक में कन्वर्ट हो गया इसकी वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से। और ये जो होता है ये एक तरह से ये जो बैक्टीरिया होता है ये साल्ट को यानी कि नमक को पसंद करने वाला एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से इसकी प्रेजेंस में क्या हुआ कि भी जो पूरा जो लेक है उसका जो कलर वो पिंक में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए कि भी ये तो पता लग गया आपको कि ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ये भी पता होना चाहिए कि भाई लोनार लेक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लोनार लेक कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। अच्छा, उसके बाद ये जो टर्म है लोनार लेक के बारे में, ये जो सामने जो टर्म आया है, हाँ, ये कहाँ से पता लगा, जैसे अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने इस चीज के बारे में डिटेल या खुलासा किया है, तो ये कुछ की टर्म्स हैं जो आपके बारे में जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें होलार रेचा बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है पिगमेंट प्रोड्यूस करता है ये बैक्टीरिया, और जिसकी वजह से ही पानी क्या हो जाता है पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये उस जगह पाया जाता है जहां पे साल्टी वाटर ज्यादा हो, उस एरिया में ज्यादा ये पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बुल फ्रॉग के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू द इंडियन बुल फ्रॉग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इंडियन बुल फ्रॉग क्या है इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है इट इज ए इनवेसिव स्पीसीज, यानी कि एक तरह से स्पीसीज के बारे में आपसे बताया जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड में इनवेसिव स्पीसीज का मतलब होता है जो बहुत अटैकिंग नेचर का होता है, जो दूसरे स्पीसीज के ऊपर ज्यादा अटैक करता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है इट इज द लिस्टेड एज क्रिटिकल इंडेंजर, यानी कि इंडेंजर क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में इसे लिस्ट किया गया IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था और इस एक्ट के तहत इस स्पीसीज को प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो ये तीन स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है 1, 2, 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। सी का मतलब ये हुआ फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये एक तरह से स्पीसीज है, ठीक है, जो कि इन्वेसिव नेचर का, यानी कि जो अटैकिंग नेचर का है, जिसका नाम है इंडियन बुल फ्रॉग, और ये क्या करता है दूसरे बाकी जो स्मॉल स्पीसीज है उनको खत्म कर देता है, उस पर अटैक करता है, इस तरह आप समझ सकते हैं। और ये हमारी कंट्री में अंडमान निकोबार आइलैंड है, उस एरिया में ये पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट आपको ये बोला गया था कि भी क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी में है, नहीं, ये क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी में नहीं है, बल्कि ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर आता है, अगर आप IUCN की रेड लिस्ट की बात करें तो, यानी कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके तहत अगर हम बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर से डाला गया है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। तो थर्ड स्टेटमेंट ये बोला गया था कि भाई इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो है जिसके तहत इसे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि शेड्यूल 4 जो इस प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है, जिसके अंदर जितने भी जानवरों को स्पीसीज को लिस्ट किया जाता है उन सबको एक प्रोटेक्शन दिया जाता है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी की है और इस पे कोई हंटिंग नहीं हो सकती, यानी कि कोई इसका शिकार नहीं कर सकता, अगर कोई ऐसा करता है तो उस पे पेनल्टी या कोई पनिशमेंट रखा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा सी। सी का मतलब ये होगा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, थोड़ा सा ये आप पढ़िएगा कि भाई IUCN क्या है, IUCN की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और IUCN काफी एक्टिव रहता है अगर हम किसी स्पीसीज की बात करें तो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के कमेंट करिएगा कि भी क्या है नहीं है इसके, थोड़ा हिस्ट्री में जाके थोड़ा सा इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रिगार्डिंग डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये एक नेशनल पार्क है, लोकेशन चलो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। हाँ, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको ये तीन स्टेटमेंट दे दी गई है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है डिब्रू सैखोवा इज ए नेशनल पार्क एज वेल एज बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि ये नेशनल पार्क भी है और उसके साथ साथ ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला। सेकंड स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है इट इज द लार्जेस्ट स्वाइप फॉरेस्ट एरिया, स्वाइप मतलब आप कह सकते हो मैंग्रोव एरिया, जो फॉरेस्ट होता है ना, जैसे जहां दलदल वगैरह होता है, उसकी बात की जा रही है। और थर्ड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है इट इज आइडेंटिफाइड एज इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, यानी कि इसे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कैटेगरी के अंदर भी डाल सकते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं कि भी ये डिब्रूगढ़ से आप समझ गए होंगे ये आसाम के अंदर है, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है अपर आसाम के अंदर, वहां इसकी लोकेशन है। तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इसे पहले तो ये बोला गया कि ये नेशनल पार्क है, ठीक है। दूसरा आपसे ये भी बोला जा रहा है कि भी ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। और लास्ट में आपसे थर्ड स्टेटमेंट में ये तक बोल दिया गया कि भी ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, तो काफी फीचर है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, और काफी न्यूज में भी होता है। तो इस वजह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भी इन तीनों स्टेटमेंट में से आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है कि भी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। लोकेशन तो आपको पता लग गई कि अपर आसाम के अंदर ये डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इसकी लोकेशन है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू डिब्रूगढ़ के आसपास, ठीक है, यानी कि ये कह सकते हो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही नेशनल पार्क है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और सही आंसर क्या है ये बताइए।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो लोकेशन की मैं बात कर रहा था, ये देखिए ये आसाम का मैप आपको दिख रहा है। आसाम के मैप में जो ये अपर आसाम है यानी कि तिनसुकिया डिब्रूगढ़, ये जो डिब्रूगढ़ एरिया दिख रहा है, डिब्रूगढ़ सिटी है आसाम के अंदर, ये डिस्ट्रिक्ट भी है, और यहाँ पे बिल्कुल अपर आसाम में इसकी लोकेशन है। ठीक है, यानी कि डिब्रूगढ़ के साथ में जो तिनसुकिया भी एक डिस्ट्रिक्ट है और इसके आसपास ही ये अपर आसाम में इसकी लोकेशन है। ठीक है, क्योंकि मैं भी आसाम 3 और 4 ईयर लगभग अराउंड रह के आया हूँ, तो थोड़ा इन सब चीजों के बारे में मुझे पता है। और काफी इंपॉर्टेंट है कि भी आसाम वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे नेशनल पार्क है यहाँ पे, बायोस्फीयर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ कुछ है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये डिब्रू सिखवा नेशनल पार्क, काजीरंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन हैंड रेनो जो होता है, वन हॉर्न रेनो, उसके लिए फेमस है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मानस नेशनल पार्क भी यहीं पे ही है, मानस के अलावा आप बोल सकते हो दरांग नेशनल पार्क भी यहीं है। ठीक है, तो काफी सारी पवित्रा नेशनल पार्क, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पे ही है। तो खूब सारे ऐसे लोकेशन है जहाँ पे आसाम इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, जैसे आसाम या नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूं, तो एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, लिस्ट के अंदर जितने भी नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ठीक है, इस तरह की जितनी भी लोकेशन है उन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एक बार मैप देख लेंगे तो 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको आई होप सारा जितना भी ये टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि भाई ये नेशनल पार्क भी है और इसके साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बिल्कुल सही बात है, ये नेशनल पार्क भी है और साथ के साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जो कि चाइना से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के बाद ये बांग्लादेश वगैरह होकर के जो हमारी बंगाल की खाड़ी वहां गिरती है, तो उसके आसपास की रिवर के आसपास काफी सारे नेशनल पार्क है। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास है, ये उनमें से एक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला गया कि लार्जेस्ट स्वाइप फॉरेस्ट एरिया है। नहीं भाई, ये गलत है। क्यों गलत? इसलिए कि हमारी कंट्री के अंदर जो सुंदरवन एरिया है, यानी कि जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, उधर एक सुंदरवन जो डेल्टा क्रिएट होता है वहां पे स्वाइप एरिया फॉरेस्ट जो लार्जेस्ट स्वाइप एरिया है वो वही है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी ये लार्जेस्ट है। यानी कि ये जो आपको बोला गया कि भाई ये लार्जेस्ट स्वैप एरिया बिल्कुल गलत है। कौन सा है? वो सुंदरबन है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि इसको बायोस्फीयर रिजर्व के अलावा, नेशनल पार्क के रिजर्व के अलावा भी ये एक और चीजों के लिए आइडेंटिफाई किया गया, इसे वो है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आपको बहुत सारी स्पीसीज मिल सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ बर्ड्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जिस वजह से ये वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने भी इसे नोटिफाई किया हुआ है एज ए इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एरिया के रूप में इसे आइडेंटिफाई किया हुआ है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। बर्ड के अलावा और भी बहुत सारे जो स्पीसीज या जानवर यहाँ पे मिलते हैं, जैसे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, लेपर्ड हो गया, ठीक है, जंगल कैट हो गया, बियर, स्मॉल इंडियन कैवेट और स्क्वेरल, ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन, तो ये बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो कि इस नेशनल पार्क के अंदर आपको पाए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया, आंसर जो कि बी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। माली मात कमेटी ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, माली मात कमेटी के बारे में पूछा जा रहा है, ये आजकल न्यूज में काफी रहता है, इसकी वजह क्या है? ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है जिसके बारे में आपको अटेम्प्ट करके बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है रिफॉर्म इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारी कंट्री के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है रिफॉर्म इन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी, ये एक तरह से जो कमेटी है वो एग्रीकल्चर और मार्केटिंग बेस्ड पर है, यानी कि इसमें रिफॉर्म लाने के लिए कमेटी बनाई गई थी। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है रिकंस्ट्रक्टिंग रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, हमारी कंट्री के अंदर रूरल बैंकिंग यानी गांव वाले एरिया में बैंकिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए रिफॉर्म लाने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी रिगार्डिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि जो लघु उद्योग है, छोटे उद्योग जो है उनके बारे में बोला जा रहा है कि उन उद्योग के अंदर एक सिस्टमेटिक चेंज लाने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताइए माली मात कमेटी किससे रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये है कि ये माली मात कमेटी जो है ये हमारी कंट्री के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए बनाई गई थी, और ये जो कमेटी बनी थी 2000 में आई थी, यानी कि 2000 में जब ये कमेटी आई थी जिसके जो हेड थे वो कर्नाटका और केरला के जो चीफ जस्टिस थे,
यानी कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस वी एस मालीमात, वो इस कमेटी के चेयरमैन थे यानी हेड थे, और हेड होने की वजह से इस कमेटी का नाम रखा गया था मालीमात कमेटी, जो कि हमारे कंट्री के अंदर जो क्रिमिनल सिस्टम जस्टिस का जो सिस्टम है जो कि ब्रिटिश टाइम से जो चलता हुआ आ रहा था हम उसे जो फॉलो कर रहे थे, उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस की जो रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इस कमेटी ने टोटल 158 रिकमेंडेशन दिए थे, और ये सारे रिकमेंडेशन विक्टिम के फेवर में थे, जिस वजह से ये कमेटी काफी न्यूज में है और ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए कि क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड कौन सी कमेटी है तो आपको पता होना चाहिए मालीमात कमेटी है, और इन्होंने 158 रिकमेंडेशन दिए थे ताकि इस सिस्टम को अच्छा बनाया जा सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से, विद रेफरेंस टू द बाल गंगाधर तिलक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ आपके पास स्टेटमेंट वन टू ये गिवन है और आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है, चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है ही वाज द फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। हमारी कंट्री के अंदर जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है उसके फाउंडर बताए जाते हैं कि बाल गंगाधर तिलक है। स्टेटमेंट टू में आपसे बोला जा रहा है ही फाउंड द ऑल इंडिया होम रूल लीग। हमारी जो फ्रीडम फाइट की जो मूवमेंट चली थी, ठीक है, उसके अंदर एक लीग क्रिएट की गई थी ऑल इंडिया होम रूल क्रिएट की गई थी। तो ये बताया जा रहा है कि भाई इसका जो फाउंडर थे, इसके फाउंडर बाल गंगाधर तिलक थे, और ये जो ऑपरेशन करते थे यानी जो काम करते थे वो महाराष्ट्र के लिमिटेड एरिया में काम करते थे। तो ये दो स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। आप जानते ही अभी रिसेंटली इनका जन्म दिवस गया था, यानी कि आप कह सकते हैं इनकी जयंती गई थी, जयंती की वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्योंकि ये फ्रीडम फाइट हमारी कंट्री के जो स्ट्रगल मूवमेंट थे उसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, जिस वजह से भी ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने लेके आया हूं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ वन टू दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अगर आप क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो। चलिए अब बताइए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी जो स्थापना या एस्टेब्लिश जो किया गया था ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था, साथ ही साथ गोपाल गणेश आगरकर, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर के इस सोसाइटी को संगठन मतलब इसके फाउंडर मेंबर है, और इसे जो फाउंड किया गया था कि फॉरेंगन्स कॉलेज के द्वारा 1885 में ये पुणे के अंदर ये किया गया था, और उसके इसके थ्रू ही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को भी एग्जिस्टेंस में लाया गया था। यानी कि आप ये बोल सकते हैं जो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट की तरफ अगर हम जाते हैं जिसके अंदर ये बोला जा रहा है आपसे कि ऑल इंडिया होम रूल के जो फाउंडर है इसके बारे में आपसे ये बोला जा रहा है कि ये भी ये बाल गंगाधर तिलक है, नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसे अप्रैल 1916 के अंदर महाराष्ट्र को छोड़ करके, यानी कि बॉम्बे वाला जो एरिया है पूरे महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे को छोड़ करके जो एरिया है यानी कि जो सेंट्रल प्रोविंस था जिसके अंदर कर्नाटका बेरार वगैरह आते हैं यहां पे इन्होंने ये काम किया था। यानी कि स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस है, और इसके जो फाउंडर मेंबर्स में से अगर हम बात करें तो वो एनी बेसेंट और गंगाधर तिलक जी हैं, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो जो करेक्ट आंसर हमारा हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और बाकी और भी इनके क्या नाम है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा और जो कंट्रीब्यूशन है वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट जो हमारी कंट्री में हुआ था उसे बॉयकाट करने में काफी योगदान दिया था, इन्होंने फॉरन बुक्स वगैरह का भी काफी बॉयकाट किया था, इंडियन होम रूल मूवमेंट के अंदर भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में इन्होंने काफी काम किया हुआ है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे फ्रीडम फाइट मूवमेंट के अंदर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ई मार्केट, यानी जिसे शॉर्ट में GEM हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस पोर्टल के रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है ये बताइए, इन ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करके। तो स्टेटमेंट वन में आपसे बोला जा रहा है इट इज ऑपरेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के बारे में बोला जा रहा है, इसे एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर वो इसे ऑपरेट करती है। स्टेटमेंट टू में आपसे बोला जा रहा है इट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ रिवर्स ई ऑक्शन,
ई ऑक्शन के लिए रिवर्स ई ऑक्शन की तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ये पोर्टल। ये दो स्टेटमेंट है। अब आपके पास ये चार ऑप्शन है, आपने चूज करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ वन टू, दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नो टू। इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आपके अकॉर्डिंग सही स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। बी का मतलब यह हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए आप वो जान लेते हैं, आपको ये बोला गया था यहाँ पे कि फार्मर वेलफेयर जो मिनिस्ट्री वो इसके अंडर काम करती है, नहीं गलत है। अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल की, अगर हम बात करें, ठीक है, ये पोर्टल जब भी आप मार्केट टर्म आ जाता है आपके सामने, तो मार्केट का मतलब ये है कि भी हमारी कंट्री के अंदर कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, रीजन क्या है, मिनिस्ट्री आपको गलत बता दी गई थी। बाकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये ई बिडिंग या फिर ई ऑक्शन वगैरह के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ई मार्केट प्लेस पोर्टल, ठीक है। मेनली ये जो काम करती है कॉमन यूज जो गुड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जिसे शॉर्ट में पीएसयू भी बोला जाता है, उन सबके लिए एक प्लेस प्रोवाइड करती है जहां पे ये ट्रेडिंग कर सके, ठीक है। तो यानी कि ये आप ये बोल सकते हैं ये हमारी कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और ये ई ऑक्शन, ई बिडिंग, और कहने का मतलब है ई ट्रांजेक्शन और ई मार्केट प्लेस प्लेस ये प्रोवाइड करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा, आपको ये बताना है कि भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर और फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर कौन है, इन दोनों के बारे में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसे शॉर्ट में PRPA 1950 भी बोला जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट वन है और इसके बाद ये स्टेटमेंट टू है, ठीक है। आपने बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट हमें चूज करना है, वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन से पहले एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जाए इट प्रोवाइड्स फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट। ये क्या, ये जो एक्ट है ये क्या करता है, एलोकेशन प्रोवाइड करता है, सीट का एलोकेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज की और लेजिस्लेटिव काउंसिल की किसी भी स्टेट के अंदर, ठीक है। किसकी बात की जा रही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात की जा रही है, जो कि 1950 वाली बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट डिसक्वालीफाई अ पर्सन कन्विक्ट एज ए सेंटेंस ऑफ ए टू ईयर और मोर देन फ्रॉम द कंटेस्टिंग इलेक्शन। ये क्या करती है कि भी किसी भी डिस्क्वालीफाई कर सकती है किसी भी पर्सन को, अगर उसे सेंटेंस मिला है टू ईयर या उससे ज्यादा, अगर उसे जेल वगैरह हुई है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर सकती है, ये बोला जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ वन टू, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों अभी जानते हैं, पहले ये देख लेते हैं ये जो पीपल्स एक्ट है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जैसे इसमें मेंशन ही था आपको कि 1950, इट मींस 1950 में ही पास हुआ होगा, इस वजह से ये। और ये क्या करता है, ये हमारी कंट्री के अंदर सीट एलोकेशन, यानी कि जो कितने मेंबर, यानी कि एमएलए या एमपी किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से खड़े हो सकते हैं, ये पॉपुलेशन के हिसाब पे एलोकेशन करता है ये, ठीक है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अगर हम बात करें कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स की, अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। वो चेंजेस ये है कि वो 1950 वाला जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट, पीपल्स एक्ट है, उसके अंदर ना आकर के ये 1951 के अंदर जो है उसके अंदर आता है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि भी सेक्शन 8 जो आता है, सेक्शन 8 ऑफ एक्ट, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट वाला जो है, ये इसकी अगर हम बात करें 1951 वाला, उसके अंदर ये पावर दी गई है, उसके सेक्शन 8 के अंदर ये पावर दी गई है, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि 2 ईयर या उससे ज्यादा अगर कोई जेल जाता है, ठीक है, सेंटेंस हो जाती है, सेंटेंस का मतलब अगर उसे कोई अपराध घोषित हो गई है उसका या जेल हो गया, तो उसे वो डिस्क्वालिफाई कर सकता है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। बस गलत क्यों, 1950 और 1951 की वजह से, माइनर चेंज है, आपको सिमिलर लगेगा लेकिन गलत हो सकता है स्टेटमेंट, तो आप ध्यान रखिएगा। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन यहां पे और रहेगा कि आपको ये बताना है कि अभी रिसेंटली 2019 में
इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आए हैं, आपको ये बताना है कि इन चेंजेस क्या है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंट्री में ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस लाए गए 2019 और 20, ये जो अभी रिसेंटली काफी पॉपुलर मुद्दा था, काफी न्यूज में भी था, क्या चेंजेस आए आपको ये बताना है, ठीक है, ये अमेंडमेंट क्या हुआ आपको ये बताना है, ठीक है। काफी राइट्स वगैरह भी हमारी कंट्री में हुए हैं इसकी वजह से, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्या वजह है उसकी, तो ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द चंद्रशेखर आजाद, अभी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती थी, ठीक है, इनका डेट ऑफ इनका बर्थडे था एक तरह से आप कह सकते हो, जिस वजह से ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक वीडियो और है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर आप बाल गंगाधर तिलक के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। चलो क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये आपके लिए, विद रेफरेंस टू द चंद्रशेखर आजाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चंद्रशेखर आजाद के बारे में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। आपको क्या करना है, इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के चेक करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ही एस्टैब्लिश्ड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HSRA भी बोला जाता है, यानी कि इन्होंने एक चंद्रशेखर आजाद जी ने एक एसोसिएशन क्रिएट की थी जिसका नाम इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा था। स्टेटमेंट टू में आपसे बोला जा रहा है द मैनी फेस्टो ऑफ द HSRA वाज टाइटल एज द रिवर्स लर्निंग, यानी कि आप कह सकते हो कि विरोध एक तरह से इन्होंने टाइटल रखा था अपने इस ऑर्गेनाइजेशन का थीम बना करके मैनिफेस्टो में रखा था। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि मार्टर्स डे इज ऑब्जर्व ऑल अक्रॉस इंडिया एज ए ट्रिब्यूट टू चंद्रशेखर आजाद, कि मार्टर्स डे यानी कि जिसे श्रद्धांजलि देने के लिए इनको एक शहीदी दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है मार्टर्स डे रखा गया हमारी कंट्री के अंदर, और ये इनके रिस्पेक्ट में ये सेलिब्रेट किया जाता है पूरे कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट है, अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है 1, 2, 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको सिलेक्ट करना है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी, सी का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों, आप उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा था कि इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिसे HSRA और फिर बाद में इसका नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी रख दिया था, ठीक है, इसका ये फाउंडर मेंबर थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नाम किसने चेंज किया था थोड़ा बहुत आपको याद होगा अगर आप थोड़ी हिस्ट्री को अगर आप पढ़ते हैं। मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि चंद्रशेखर आजाद वाली मूवी है शहीद, कोई सा भी नया वाला पुराना वाला कोई सा एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे हिस्ट्री और फ्रीडम फाइट के जो इससे रिलेटेड काफी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2.5 घंटे में आपकी मूवी कंप्लीट हो जाएगी और काफी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 1922 में इन्होंने ये एस्टेब्लिश किया था और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग होकर फिर इन्होंने ये स्टार्ट किया था, यानी कि आप ये बोल सकते हैं जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जब वापस ले लिया था तब इन्होंने ये एसोसिएशन क्रिएट की थी। पहले इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया था, बाद में भगत सिंह ने थोड़ा बहुत चेंजेस करके इसके अंदर क्या नाम रखवा दिया था इसका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी रख दिया गया था। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, बाकी इसके अंदर आप ये जान सकते हैं कि भी कौन कौन इसके मेंबर थे। तो फिरोज शाह कोटला यानी कि जो नई दिल्ली के अंदर है, दिल्ली गेट के आसपास जहां पे अभी क्रिकेट स्टेडियम भी है, ठीक है, वहां पर ये एस्टेब्लिश हुआ था 1928 में। कितना हिस्टोरिक प्लेस है आपको भी पता लग गया होगा। तो यहाँ चंद्रशेखर आजाद ये कुछ कुछ फ्रीडम फाइटर है जो इन लोगों ने मिलकर के ये काम किया था। चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ये जो जोगेश चंद्रा चटर्जी, ये कुछ मेंबर है, मैं कुछ लोगों के नाम लिख रहा हूं बाकी और भी है। तो इन सब लोगों ने मिलकर के ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की थी, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भाई कि भी जो इन्होंने जो मेजर काम किया था जिसकी वजह से ये काफी न्यूज में थे, काफी पॉपुलर हुए, वो ये हुआ था कि काकोरी कांड की वजह से, यानी काकोरी कॉन्स्परेंसी की वजह से जो 1925 में इन्होंने कि भी फ्रीडम फाइट के लिए जो लूटा था उसकी वजह से काफी ये न्यूज में आ गए थे, ठीक है, यानी कि काफी पॉपुलर भी हुए थे और इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। तो जिसके अंदर इन्वॉल्व थे उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और
मनमरहत नाथ गुप्ता, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत इन सब के बारे में जरूर पढ़िएगा, इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, इनमें से सारे पर्सन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी के ऊपर भी बनाए जा सकते हैं। और बात कर लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था कि मार्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है चंद्रशेखर आजाद को ट्रिब्यूट देने के लिए। नहीं जी, ये ट्रिब्यूट देने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये जो तीन पर्सन है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में जिनको की फांसी मिली थी मार्च 23 को, ठीक है, जिसकी वजह से ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए मार्टर्स डे के रूप में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अब कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर है और आप आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। डेली मैं ये वीडियो लेकर के आता हूं, आप इसे सीख सकते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, कमेंट में पढ़ता हूं हर किसी के, जरूर कमेंट करिएगा।